hello everyone a very good evening to all of you and very warm welcome in this session sabhi ko namaskar aap sabhi ka swagat hai kaise hain aap sab sneha kuldeep kaushal vansh learn and teach ekhe yado very good evening i think everything is all right please do confirm in the comment section good evening so जैसा कि आप जानते हैं कि करियर वेल की जो बैंकिंग टीम है वो छः बजे से ले कर आठ बजे तक इस चैनल पे आपके साथ इस वीक से एक्टिव है और छः से सात आप आशीष सर के साथ क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथ्स की क्लासेस करते हैं और उसके बाद तनवी मैम के साथ रीजनिंग की क्लासेस की हैं आपने मंडे से लेकर के वेंसडे तक और आज आपकी मुलाकात मुझसे हो रही है तो यहाँ पर हम जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के पोर्स्पेक्टिव से टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है उस तरह की प्रैक्टिस यूट्यूब सेशन हैं ठीक है सो आज का जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा है फिलर्स फिल इन द जिनको हम कहते हैं और अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पूछ, में पूछा जाता है चाहे वो एस का एग्जाम हो यूपीएससी का हो एन डी एस डी एस सी जी एल सी पी ओ एस और बैंकिंग में भी पूछा जाता है फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप बैंक के पेपर्स की बात करते हैं तो यहाँ फिलर्स की जो वराइटी है वो काफी बढ़ जाती है इन जनरल आप देखोगे कि वन ब्लैंक्स या टू ब्लैंक्स के क्वेश्चन हमें मिलते हैं एस के एग्ज़ाम्स में इन जनरल बट बैंक में अगर मैं तरीक़ों की बात करूँ पैटर्नस की बात करूँ तो हमारे पास पाँच छः सात अलग अलग तरीक़ों से फिलर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिन्हें उसका एक्सपोजर नहीं होता कई बार उन्हें लगता है कि बहुत ही मुश्किल है ये बट होता बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो दूसरा फर्क ये है एक तो हो गया नंबर ऑफ़ टाइप्स वो बैंकिंग के पेपर में ज़्यादा होते हैं और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये कि आप अगर एस के पेपर्स में देखोगे तो जो फिलर्स या क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हैं वो ग्रामर इंटेंसिव ज़्यादा होते हैं यानी अगर ग्रामर की समझ है आपके ग्रामर के फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो उनसे भी आपको फिलर्स में और क्लोज टेस्ट में काफ़ी मदद मिलती है लेकिन अगर वहीं पे बैंकिंग की बात करी जाए तो यहाँ थोड़ी वकैब बेस्ड फिलर्स और क्लोज टेस्ट का चलन है तो ये भी एक मोटा सा डिफरेंस है लेकिन ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग हमें, हमें हमेशा मदद करती है तो आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फिलर्स में और क्लोज टेस्ट में दिक्कत होती है जरा कॉमेंट में बताओ मुझे हाँ, कोई किस सपोर्ट जो है कह रहे हैं कि मेरा फिलर्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता कितने लोगों को दिक्कत होती है और क्या दिक्कत होती है क्योंकि ये सेशन उन्हीं समस्याओं के इलाज की तरफ आपको लेके जाते हैं निकिता को भी दिक्कत होती है चलो तो आ जाओ शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन ये बैच हमारा करियर लैब पे आया हुआ है बैंकिंग स्पेशल बैच ये एक कम्प्लीट बच होता है वन स्टॉप सोल्यूशन होता है सभी तरह के बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम के लिए इस एक बैच से आप करीब करीब पंद्रह एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं और अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करी जाए तो थर्टी फाइव टू फोर्टी थाउजेंड पूरे साल में वैकेंसीज आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में मिलती हैं और ये एक बैच आपको पूरी तरह से उसके लिए तैयार करता है क्योंकि मोर और लेस जो सिलेबस है वो सेम है और यहाँ पर हम प्री से लेकर के मेन्स लेवल तक सब कुछ कवर कराते हैं तो चीजें डिटेल मैनर में सीखनी है सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं और इनको कैसे करना है उसको समझते हैं डायरेक्शन लिखा है मेंशन बिलो विल फाइंड टू स्टेटमेंट्स विद वन ब्लैंक मस्ट बी फिल्ड इन विद द स्टेटमेंट्स आर फाइव वर्ड्स इन फाइव ऑप्शन

सबसे पहला काम क्या होता है वॉट इज द स्टेप नंबर वन जब आप फिलर्स या क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे पहला स्टेप यही है कि रीड द सेंटेंस जो भी सेंटेंस है या पैराग्राफ है ना उसको ढंग से पढ़ो आप पहले रीड द सेंटेंस आर पैराग्राफ एंड ट्राई टू गेट वॉट गेट द कॉन्टेक्स्ट कि क्या कहने की कोशिश हो रही है क्या कॉन्टेक्स्ट है क्या मेन आइडिया है इस सेंटेंस का उसको समझने की कोशिश करो आप सेंटेंस की टोनैलिटी कैसी है उसको जानने की कोशिश करो राइट टोन ऑफ द सेंटेंस आर पैराग्राफ इनसे बहुत मदद मिलती है इनसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको बहुत आसानी होती है जो आपको चेक्स लगाने होते हैं यानी जिनके बेसिस पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज देखो इंग्लिश में एलिमिनेशन का जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है कि चार ऑप्शन में से ये बाहर, ये बाहर हो गया ये बाहर हो गया ये बाहर हो गया जो सही होगा ऑटोमेटिकली आप वहां पे पहुंच जाओगे कलेक्शन करना आपके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है तो यहां पे अगर हम एलिमिनेशन की बात करें तो सबसे पहला हमें क्या चेक लगाना होता है भाई पहले तो ग्रामर का चेक चेक का मतलब टेस्ट करो ग्रामर के बेसिस पे कि सही है या नहीं अब ऐसे कैसे करोगे आप अब जैसे कोई भी ब्लैंक प्लेस है ठीक है अब सपोज दिस इज अ ब्लैंक प्लेस और इसके पहले लिखा हुआ है लेट से विल विल लिखा हुआ है तो अब इसके बाद क्या संभावना हो सकती है अब कॉमन सेंस की बात है कि विल एक मॉडल वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद मेन वर्ब ही आएगा तो आपको ये देख लेना है कि भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें मेन वर्ब लिखी हुई है और वो भी अपने फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए वी वन होना चाहिए तो मेन वर्ब और वो भी वी वन में हो अगर मान लो कोई ऑप्शन है वर्ब तो दिया है बट वो वी लिखा हुआ है तो आप उसको एलिमिनेट कर लोगे अगर कोई शब्द ऐसा है जो एड्जेक्टिव की कैटेगरी से बिलोंग करता है आप उसको एलिमिनेट कर लोगे और ऐसी मदद हमारे पास अवेलेबल होती है ठीक है तो ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग हमेशा ब्लैंक प्लेस के पीछे क्या लिखा है और आगे क्या लिखा हुआ है इससे जरूर मदद लें वो बहुत क्लैरिटी से आपको हिंट देते हैं कि वहां पे किस तरह के शब्द आपको चाहिए वहीं पे अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें ये तो ग्रामर का चेक हो गया नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट अब हमारे जो वोकैब सीखने का तरीका है ना उसमें कुछ फ्लॉज हैं फंडामेंटली हम सिनोनिम्स को रटते हैं ये स्कूल का पेपर नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम यहाँ पे कोई आपसे ये नहीं कहता कि शब्द के चार पर्यायवाची लिखो आपको उन शब्दों के बीच में डिफरेंस का पता होना चाहिए और वो पता कहाँ से चलता है उनके अलग अलग पैरामीटर्स हैं और एक पैरामीटर है कॉन्टेक्स्ट यानी शब्द जो है वो आपको सिमिलर लगते हैं बट वो सेम नहीं होते उनमें कॉन्टेक्स्ट का फर्क होता है जैसे बहुत ही बेसिक सिंपल से एग्जाम्पल्स कई बार मैं सेशंस में दे चुका हूं जैसे हमारे पास ये शब्द है मैसेकर जेनोसाइड और कार्नेज अगर मैं इन तीनों शब्दों के बारे में बात करूं तो इनका मतलब होता है नरसंहार जब आप शब्दों की मीनिंग को रटते हैं ये नरसंहार है मास किलिंग है बट इससे आपको फायदा नहीं होगा क्योंकि एग्जाम में आपको एक वर्ड चूज करना है तो इनमें फर्क है और फर्क किसका है कॉन्टेक्स्ट का है जब हम मैसेकर की बात करते हैं तो ये एक्चुअली जलियां वाला बाघ हत्याकांड हो जाता है यानी जो डेलीबरेट किलिंग है यानी जो जान के की जाए डिलिबरेट और इनडिसक्रिमिनेट किलिंग इनडिसक्रिमिनेट यानी बिना किसी भेदभाव के ठीक है उसे आप क्या बोलोगे दैट वुड बी कॉल्ड मैसे कर बूढ़े बच्चे जवान जो भी थे उन्हें भून दिया गया जेनो साइड आप खूब सुना है आपने पिछले सालों में यह क्या है ये टारगेटेड किलिंग ऑफ अ कम्युनिटी होती है या प्लैंड किलिंग ऑफ अ कम्युनिटी होती है. जब आप किसी कम्युनिटी को टारगेट करके उसका सफाया करते हैं उसी को हम एथनिक क्लिनजिंग भी कहते हैं तो वो हो जाती है जेनोसाइड सिख जेनोसाइड 1984 कश्मीरी पंडित्स का जेनोसाइड देन ज्यूज का जेनोसाइड तो दिस इज वॉट इसी को टारगेटेड किलिंग ऑफ कम्युनिटी कहा गया इसी को एथनिक क्लिनजिंग कहते हैं और कार्नेस की अगर बात की जाए तो ये वॉर किलिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है जब कहीं पर भी युद्ध हो रहा हो तो दोनों तरफ के लोगों की मौत होती है या जो आपकी एक्सीडेंटल किलिंग्स होती हैं उनके लिए भी हम कार्नेज लगाते हैं प्लेन का क्रैश ट्रेन एक्सीडेंट तो ये आपको सेंटेंस को पढ़ना है एंड यू आर सपोज टू गेट द कॉन्टेक्स्ट दैट वॉट काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज देयर किस तरह का संदर्भ है उस संदर्भ के आधार पर सही शब्द का चुनाव किया जाता है ठीक है तो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत मदद करती है ग्रामर की मदद होती है और फिर आपको मदद मिलती है कॉनोटेशन की कॉनोटेशन का मतलब कि शब्द का एटीट्यूड किस तरह का है जो सेंटेंस है उसमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव वर्ड चाहिए क्योंकि एक ही मतलब के शब्द पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकते हैं बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल अब जैसे आप कहते हो किसी को फेमस और फिर कह दो नोटोरियस uh, तो दोनों में इंसान जो है वो नॉन है लोग उसको जानते हैं लेकिन नोटोरियस हो गया कुख्यात और फेमस हो गया विख्यात और प्रख्यात तो अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के लिए जाने जाते हैं तो दैट इज़ फेमस और नेगेटिव के लिए तो नोटोरियस और न्यूट्रल वर्ड है नोन इसीलिए हम कहते हैं ही इज अ वेल नोन पर्सनालिटी वेल नोन पर्सनालिटी वेल लगाना पड़ता है नोन के पहले तो अब इन तीनों शब्दों में कॉमनैलिटी क्या है तीनों शब्द सिनोनिमस हैं पर्यायवाची हैं बट फर्क इसमें है कॉनोटेशन का एक पॉजिटिव है एक न्यूट्रल है और दूसरा तीसरा जो है वो नेगेटिव है ऐसे ही आपने किसी को कहा कि ही स्लिम जो स्लिम न्यूट्रल है लेकिन वहीं पर अगर किसी को कहो आपकी शी इज स्किनी तो स्किन का मतलब वो इतनी पतली है कि बीमार सी लगती है एंड द फेमिनिन ग्रेस फ्रॉम द बॉडी इज मिसिंग बट वहीं पे आप कहो कि मलाइका अरोरा इज अ स्वेल्ट ब्यूटी शी इज एब्सोल्युटली स्लेंडर तो वहीं पर स्वेल्ट और स्लेंडर का इस्तेमाल हम तब कर रहे हैं व्हेन समवन इज फिजिकली थिन बट स्टिल वेरी अट्रैक्टिव तो हैं तो तीनों पतले ही बट कॉनोटेशन का फर्क है तो सेंटेंस जो आपका फिलर का है या क्लोज टेस्ट का है ना वो खुद बयां करता है कि आपको किस तरह के शब्द वहां पे चाहिए आपको शब्दों के बीच का फर्क जरूर पता होना चाहिए वो तब होगा जब सेनानी रटोगे नहीं शब्दों के बीच का फर्क समझोगे स्कूल में नहीं पढ़ रहे आप कि कोई इनकी पर्यायवाची की लिस्ट पूछता है आपको हमेशा जरूरत होती है सिमिलर शब्दों को डिफ्रेंसीट करने की ठीक है सो आइए नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन अब थोड़े बेसिक ज्ञान के बाद क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है वेन यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्पज ड्रिविन कल्चर एंड फोकस ऑन मेकिंग लाइफ बेटर फॉर एवरी

और बाद में स्कोर कार्ड भी बताना है किनारे हट जाता हूं मैं हो गया इतना टाइम पर्याप्त है अब देखो यहाँ पे टू लिखा हुआ है और टू के साथ आप क्या लगा सकते हो क्या संभावना हो सकती है यहां भी टू है 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 भी तो टू के बाद दीवन ही आएगा की फर्स्ट आएगी इधर देखो लिखा लिखा हुआ हुआ और और ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है इधर थ्राइव जो है ये अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्मी है आप सी के साथ ही जाओगे तो बिल्कुल आसान सा तरीका ठीक है अब इसमें इसीलिए मैंने कहा कि जो सबसे पहला पड़ाव है वो ग्रामर का ही है ऑप्शन आप आप तो से ट्यून किए गए बट इसमें भी देखो लोग फिसल गए हैं बी डी और क्या क्या आंसर कर रहे हैं बट देर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट ठीक है तो मतलब क्या हो गया कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग ड्रिवन कल्चर जो है वो बिल्ड करते हैं और फोकस करते हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए सभी के लिए और सभी जगह तो यू ऑल्सो क्रिएट द कंडीशन फॉर योर बिजनेस टू ट्राइव तो आप उस तरह की परिस्थितियां उस तरह की कंडीशन को क्रिएट करते हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ने में मदद करे थ्राइव करने में मदद करे यहाँ पे क्या है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही ध्यान रखें कंप्लाई जो शब्द है ये वर्ब है इसी के साथ हमारे पास एडजेक्टिव आता है कंप्लाइंट इज अ कम्पलायंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन यानी जो आज्ञा का पालन करे एंड यहीं से बनने वाला नाउन होता है कंप्लायंस आज्ञा पालन ठीक है तो कोविड लाइंस कोविड की गाइडलाइंस के साथ वो जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे दे ऑलवेज वांट टू थ्राइव इन क्राइसिस यानी बुरे समय में किस तरह से अपना फायदा उठाया जाए कैसे थ्राइव किया जाए ये उसी के लिए चिंतित रहते हैं तो कहने का क्या मतलब है कि सपोज आपको फॉस्टर का मतलब नहीं पता जबकि मतलब सिमिलर सा ही है फॉस्टर करना थ्राइव करना इन सभी में सपोर्ट करने वाली बात है बट ग्रामेटिकली ये बाहर हो गया क्योंकि फोस्टर वर्ब है उसमें ऐसा लगा हुआ है टेरराइज का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है यहाँ पे राइट और प्रॉस्पर का कॉन्टेक्स्ट है बिजनेस टू प्रॉस्पर अब देखो फॉस्टर प्रॉस्पर थ्राइव ये तीनों के तीनों सिमिलर सेंस के ही वर्ड है वहीं से आता है ना प्रॉस्परस तो प्रॉस्पर वर्ब है लेकिन किसने मदद करी अब यहां पे परेशान नहीं हो जाना कि सर तीनों शब्द तो सिमिलर थे भाई ग्रामर मदद कर रहा है आपको ग्रामर आपको मदद कर रहा है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहां पे फॉस्टर्स कर दिया यहां पे यू you नो know, प्रॉस्पर्ड कर दिया तो ये अपने आप एलिमिनेट हो गया तो एलिमिनेशन के जरिए आप करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच गए हैं अब आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हैं एंगजाइटी इन रिस्पॉन्स टू इमेजिन एज वेन यू फील एवरी वन इज मॉकिंग यू इज कंसिडर्ड मेंटल हेल्थ कंडीशन ये पहला सेंटेंस है दूसरा है टेररिज्म इज एन इंटरनेशनल क्राइम एंड द पॉसिबल दॉसिबल डिस्ट्रक्शन डब्ल्यू एम डी बाय नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स आर कॉमनली साइटेड एज एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसनेशनल अब दोनों ब्लैंक प्लेसेस में इन चार वर्ड्स में से एक ही वर्ड आएगा एक ही वर्ड आएगा कौन सा वर्ड है वो लगा दूं। निकिता को कम्युनिकेटिव लग रहा है गुंजन को ए लग रहा है शिल्पी को बी लग रहा है यानी हालात काफी नासाज हैं, तबियत खराब है आप लोगों की है इतने आसान आसान से क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है एंजाइटी इन रिस्पॉन्स टू इमेजिंड अब यहां इमेजेंड क्या है और ट्रां trans, ट्रांसनेशनल क्या है इमेजेंड आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है लेकिन आपको यह भी पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के तौर पे भी करते हैं आया ना तो यहां पे यह एडजेक्टिव है और ट्रांसनेशनल यानी देशों के बीच में एक दूसरे एक देश से दूसरे देश में यह भी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किसके पहले लग करके उसको डिस्क्राइब करता है किसके पहले लग करके डिस्क्राइब करता है नाउन के पहले

कम्युनिकेशन नाउन है और कम्युनिकेटिव अबिलिटी ये हो गया एडजेक्टिव तो ये है आपका एडजेक्टिव जरूरत है नाउन की ये दोनों बाहर हो लिए थ्रेट्स जो है ये आपका नाउन है ठीक है थ्रेट्स जो है नाउन है इसमें कोई दिक्कत नहीं और यही सही ऑप्शन भी है एपिथेट भी नाउन है लेकिन इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे एपिथेट शब्द का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है निकनेम एपिथेट जैसे हम कहते हैं रेशियल एपिथेट्स यानी कोई इस तरह का शब्द का इस्तेमाल जो कि रेसिज्म की, की तरफ इशारा करता है उसी को कहा जाता है एपिथेट तो इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है एक बार मतलब समझ लो कुछ और शब्द बताता हूं यहां पे। तो कहा जा रहा है कि एंग्जाइटी इन रिस्पॉन्स टू इमेजेंड थ्रेट एज वेन यू फील एवरी वन इज मॉकिंग यू इज कंसिडर्ड अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इसका क्या मतलब है इमेजिंड थ्रेट एंग्जाइटी कब होती है डर आपको कब लगता है डर तो फीलिंग ही होती है डर उस चीज को लेकर के जो है नहीं वो इमेजिन इमेजिनेशन में है आपके तो एंगजाइटी इन रिस्पॉन्स टू इमेजन थ्रेट्स आपने थ्रेट को जस्ट इमेजिन कर लिया और उसकी वजह से आप एंगजाइटी के शिकार हो गए और आपको ऐसे लगने लगता है वेन यू फील एवरी वन इज मॉकिंग यू आपको लग रहा है यार सब लोग तो आपका मजाक बना रहे हैं आ, मैं कहाँ ही छुप जाऊं दुनिया मेरे ऊपर हंस रही ऐसा दुनिया कर नहीं रही लेकिन आपको खुद ही फीलिंग आ रही है और अगर इस तरह की फीलिंग है तो इसका मतलब कि भाई इट्स कंसिडर्ड मेंटल हेल्थ कंडीशन आप मेंटली थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहे हैं आपको काउंसलिंग की कंसल्टेशन की जरूरत है ये सेंटेंस का मतलब हुआ इमेजिन थ्रेट्स तभी तो एंगजाइटी पैदा होती है अगला सेंटेंस क्या है टेररिज्म इज एन इंटरनेशनल क्राइम एंड द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ वेपन मास डिस्ट्रक्शन बाई नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स आर कॉमनली साइटेड एज एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसनेशनल थ्रेट्स तो जब हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो वहां थ्रेट की बात तो होगी ही आया ना एक थ्रेट ही तो है वो और ट्रांसनेशनल का मतलब क्या एक देश से दूसरे देश ट्रांस का मतलब ही बियॉन्ड होता है यानी टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जो किसी एक देश के बाउंड्री के अंदर नहीं है वो वो ट्रांस है बियॉन्ड पूरी दुनिया उससे प्रभावित है तो एक ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल क्राइम है टेररिज्म एंड पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ वेपन्स यानी वेपन्स का अक्वायर करना किस तरह के मास डिस्ट्रक्शन के बाई नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स ये नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स होते हैं जो भी है, इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं साइटेड एज एग्जांपल्स ऑफ थ्रेट्स हाँ जी एपिथेट के साथ कुछ शब्द और हैं जो जरूर सीख लीजिए ईपीआई जो है प्रेफिक्स इसके साथ बड़े सारे शब्द आते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू एक शब्द है एपिटाफ एपिटाफ का मतलब होता है किसी की मरने के बाद उसकी टूम स्टोन पे जो यादगार में लिखा जाए उसे एपिटाफ कहा जाता है एपिटमी की बात की जाए एपिटमी का मतलब होता है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग बहुत सारे लोग इसको एपिटोम बोलते हैं जो कि गलत है दिस इज एपिटमी और एपी से क्या आता है शब्द आता है एपिग्राफ और एपिग्राम ये भी शब्द हैं तो एपिग्राम का मतलब होता है विटी सेइंग जैसे शाहरुख खान ने अभी विटी सेइंग कही जिसकी वजह से वो बुरे फंस गए हैं अदरवाइज वो विटिसिज्म के किंग कहे जाते हैं तो जो विटी सेंग होती है उसको हम एपिग्राम कहते हैं सॉरी अच्छा दोनों एपिग्राम लिख दिया मैंने और एपिग्राफ क्या होता है एपिग्राफ एक्चुअली किसी भी बुक के बिल्कुल शुरुआती पेजेस पे जो लिखा जाता है जैसे प्रीफेस जैसी चीज जो उस बुक की थीम के बारे में बताए उसे एपिग्राफ कहते हैं साथ ही साथ जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं उन मॉन्यूमेंट्स पे जब आप जाते हो विजिट करने तो वहां इनग्रेव्ड होता है बहुत कुछ लिखा होता है उनके बारे में कब बना था वहाँ जो होते हैं उनके ऊपर तो उसे भी क्या कहा जाता है कॉल्ड से एक और शब्द है एपीलॉग इनसे कहीं ना कहीं आपकी जरूर मुलाकात हो जाएगी और एपीलॉग होता है कंक्लूडिंग स्पीच प्रोलॉग होता है आपका क्या इंट्रोडक्टरी स्पीच एल ओ जी ओ ये खुद स्पीक के लिए रूट वर्ड है यहीं से डायलॉग मोनोलॉग ये शब्द भी आते हैं ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन पे भी पहुंच गए शब्दों का ज्ञान भी बढ़ा लिया आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं द फोर्स हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन स्टेट्स दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी इट दैट द पार्टी रिमेन्स अ फोर्स आवर कंपनी विल वर्क इन अ वेरी कोलेबरेटिव मैनर अदर कंपनीज एज वी आर कमिटेड टू बिल्ड अनर्जेटिक एनवायरमेंट ऑफ ऑल इंडियन कंपनीज ग्रोइंग टूगेदर टेल मी आउट ऑफ दीज फोर वर्ड्स विच वन वर्ड इज सुबल इन बोथ द ब्लैंक प्लेसेस कौन सा एक शब्द दोनों जगह पे सही बैठेगा कोवनिंग तुलसी मनप्रीत शिल्पी पलक डीएसएस की वैकेंसी कब तक आएगी पलक दिस इज नॉट द राइट फोरम टू आस दिस क्वेश्चन वेरी गुड मनप्रीत प्रिंस एब्सोल्युटली करेक्ट तनुजा आनंद इनकरेक्ट अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस क्या बयां कर रहा है क्या चाहिए हमें भाई फोर्स लगा हुआ है फोर्स नाउन है बल जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव तो यहाँ पे नाउन है यानी हमें एडजेक्टिव वाले शब्द की जरूरत है इधर भी आप देखो तो एन्वायरमेंट है सिनर्जेटिक एन्वायरमेंट तो यानी एक और एडजेक्टिव हम लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब आप देखो तो सॉलिडरिटी जो शब्द है ये तो नाउन है किसी के साथ सॉलिडरिटी शो करने का क्या मतलब होता है सपोज किसी के दिल किसी के घर में कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो गई आप सॉलिडरिटी शो कर रहे हैं इसका मतलब आप उसके दुख में उसके साथ शामिल हैं सॉलिडारिटी शो करना तो ये नाउन हो गया एल्ली की अगर बात की जाए तो ये शब्द तो वर्ब है इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन समथिंग टू एक्सप्लेन समथिंग इन अ डिटेल्ड मैनर कहा से ये शब्द बना है फटाफट वो भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे जो रूट वर्ड है इस वर्ड में ना वो है एल यू सी और एल यू सी अपने आप में रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइट या शाइन चमक ठीक है इस रूट इस मतलब के लिए और भी हमारे पास रूट वर्ड है जैसे एल यू एम एल यू एस लश् चमक इलेट्रेशन इलेव एग्जाम्पल्स उसी तरीके से ल्यूमिनस इल्यूमिनेट एल्यूमिन और वैसे ही एलयूसी से ल्यूसेंट ट्रांसल्यूसेंट और एल्यूसिडेट lucid का मतलब ही होता है वेरी क्लियर और elucidate का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक या थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक हिंदी में बोलते हैं इस बात पे थोड़ा प्रकाश डालें तो बात पे प्रकाश डालने का मतलब उसको एक्सप्लेन करें इसीलिए elucidate का मतलब होता है किसी बात को एक्सप्लेन करना ठीक है जो चीज़ अनरविंग है नर्विंग का मतलब जो चीज़ आपको बिल्कुल हिला दे परेशान कर दे बेचैन कर दे राइट तो यहाँ पे हम नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में तो जा नहीं रहे तो ये वर्ड डेफिनेटली एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है बट ये कॉनोटेशन वाइज एलिमिनेट हो जाएगा आप खुद देखो ये वर्ब की वजह से एलिमिनेट हो गया ये नाउन की वजह से एलिमिनेट हो गया ये एडजेक्टिव तो था बट ये जो वर्ड है ये नेगेटिव कॉनोटेशन का है जबकि हमें चाहिए क्या पॉजिटिव यहाँ पूरी बात पॉजिटिव हो रही है द फोर्स हैव टू मेनटेन डिसिप्लिन इन स्टेट्स यानी सेनाओं को राज्यों में डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा ऑल्सो दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी इट दैट द पार्टी रिमेन्स अ कोहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या कि सब एक साथ रहें कोहेशन बना रहे उनमें ठीक है तो नेगेटिव की कहीं यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं ए करेक्ट ऑप्शन है वही कॉन्टेक्स्ट यहाँ भी बिल्कुल ठीक है आवर कंपनी विल वर्क इन अ वेरी कोलाबरेटिव मैनर कोलैबरेट करने का मतलब क्या होता है सोशल मीडिया के जमाने में आप जानते हैं जब एक ही काम के लिए दो लोग लोग या टीम एक साथ काम करे कोलाब्रेशन और कोऑपरेशन में यही फ़र्क होता है अब सपोज आपका पड़ोसी आपको कोऑपरेट कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि जो आप काम कर रहे हैं आपका पड़ोसी भी वही काम कर रहा है अरे भाई आपके काम में आपको दिक्कत आई तो पड़ोसी ने आपको कोऑपरेट कर दिया बट अगर आप दोनों किसी कोलाबरेटिव प्रोसेस में हैं इसका मतलब दोनों का लक्ष्य सेम है और दोनों मिल करके काम कर रहे हैं तो दैट्स द डिफरेंस कंपनी विल वर्क इन वेरी कोलैबोरेटिव मैनर विद द अदर कंपनीज एज वी आर कमिटेड टू बिल्ड अ कोहेसिव एनवायरनमेंट ऑफ ऑल इंडियन कंपनीज ग्रोइंग टूगेदर की सब ग्रो करें तो पूरा का पूरा पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है कोहेसिव कोहेशन नाउन है कोहेसिव एडजेक्टिव है यही यहां पे करेक्ट ऑप्शन है बात क्लियर हो गई सभी को एवरी लव यू कौशल कुछ नया सीख रहे हो तो सेशन को लाइक like कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मित्रों को भी बता दीजिए ये बहुत बड़ी समस्या है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस कन्फ्यूजन दैट इंग्लिश इज ऑल अबाउट ग्रामर रूल्स बट दिस इज नॉट द रियलिटी यू नो दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग और उसी ग्रामर को अगर आप रूल के फॉर्म में रटोगे तो फिर लिमिटेड रह जाते हो क्या ग्रामर का अप्लीकेशन यहाँ नहीं हो रहा है बट हमें ग्रामर का फंक्शनल आस्पेक्ट पता ही नहीं होता एग्जाम आपसे बुकिश नॉलेज नहीं पूछ रहा एग्ज़ाम आपके ज्ञान का कैसे इस्तेमाल करना है वो पूछता है वही आप यहाँ पे सीख रहे हो मैंने अभी कोई हैवी वोकेबलरी के क्वेश्चन दिए ही नहीं है आज पहली मुलाकात इस तरह वाले सेशन में है हमारी एडिटोरियल में तो आप रोज़ सुबह मिलते ही हैं मुझसे आठ बजे बट ये जो क्वेश्चन वाली मुलाकात है बैंकिंग वाली खासतौर पे ये पहली मुलाकात है बट क्वेश्चंस के लेवल मैंने बहुत मॉडरेट रखे हैं इनमें पूरी, पूरी की पूरी क्लास का मतलब जितने लोग देख रहे हैं सबका दस में दस आना चाहिए बट नहीं आ रहा है ना तो इसका क्या मतलब है कि हमारे जो इंग्लिश है वो फंडामेंटली बहुत वीक है हमें अगर कोई चीज घुट्टी पिला दी जाए और उसी पे सवाल पूछा जाए तो हम कर पाते हैं जहां थोड़ा दिमाग लगाना है वहां पे प्रैक्टिस नहीं तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस उसमें होगी चीजें बेहतर हो जाएंगी चलिए मनीषा इज अ वेरी एफिशियंट नर्स बट हर पेशेंट्स फाइंड हर बेड साइड मैनर टू बी एंड अनप्लेजेंट अजय एडमिट्स दैट ही वेक्स अप एवरी मॉर्निंग बट हिज मूड इंप्रूव डेस्टिकली आफ्टर भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है मैं कुछ सवाल पूछ लू आपसे जो कि हमारे सोचने की क्षमता का विस्तार करें मेंटल स्टेमिना बेहतर करें आप स्पोर्ट्स में होते हैं कुश्ती लड़ने जा रहे हैं किसी भी तरह के स्पोर्टिंग इवेंट में फिजिकल स्टेमिना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मेंटल स्टेमिना चाहिए कि जो लिखा है उस क्वेश्चन को पढ़ के कितने कम समय में काम की बात निकाल पाते हो मेरा सवाल आपसे यह है कि मुझे पहले यह बताओ कि इन दोनों ब्लैंक प्लेसेस में हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए कि नेगेटिव वर्ड चाहिए बताइए पहले पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए आइएगा भाई कौशल यहां बैच से संबंधित डिटेल ना पूछो तो ज्यादा अच्छा है मैंने इसीलिए शुरू में बैंक के बैच का बता दिया बाकी बैचेस के बारे में अलग से बात करेंगे पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई <coughs> इतनी बात समझ में आ गई जो नेगेटिव पॉजिटिव पूछा है एक एक उसके आधार पे चलो सोचने का तरीका तब बेहतर होगा अब देखो एंड के बाद अनप्लेजेंट लगा हुआ है अनप्लेजेंट एक नेगेटिव वर्ड है और आप जानते हैं एंड जैसा शब्द एक जैसे शब्दों को ही जोड़ता है एक तरह के शब्दों को ही जोड़ेगा एंड हा या ना कॉमन सेंस की बात है तो इसका मतलब कि हमें नेगेटिव वर्ड यहाँ पे भी चाहिए और साथ ही साथ ग्रामर से हेल्प और क्या मिल रही है यहाँ देखो दोनों क्वेश्चन में मतलब दोनों सेंटेंसेस में बट लगा हुआ है और बट कंजंक्शन के तौर पे क्या काम करता है ये आप जानते हैं बट कॉन्ट्रास्ट बताता है जैसे ये कहा जाए कि शिल्पी इज अ गुड स्टूडेंट बट शी कुड नॉट परफॉर्म वेल दिस टाइम तो बट से पहले क्या कहा कि शिल्पी एक अच्छी स्टूडेंट है लेकिन वो इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी तो हमेशा क्वेश्चन खुद मदद करता है आपको सही ऑप्शन तक पहुंचने में अब यहां पे भी देखो मनीषा इज अ वेरी एफिशिएंट नर्स यानी बट के पहले जो बात कही जा रही है वो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली बट के बाद जो होगा वो बात नेगेटिव होगी उस आधार पे भी हम नेगेटिव वर्ड के नतीजे पे पहुंच सकते हैं इधर भी देखो अजय एडमिट्स दैट ही वेक्स अप एवरी मॉर्निंग अब आपको यहां पर बताना है एडजेक्टिव के तौर पर वो कैसे वेकअप करता है लेकिन आगे क्या लिखा है बट हिज मूड इंप्रूव डोरेस्टिकली आफ्टर हैविंग हिज कप ऑफ टी तो बट के बाद कह रहा है कि मूड इंप्रूव कर रहा है यानी बट से पहले कॉन्ट्रास्ट आएगा यानी जब सो के उठता तब तो उसका मूड ठीक नहीं रहता लेकिन जैसे ही एक कप ऑफ टी लेता है उसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है और कमाल की बात देखो यहाँ पे जो ब्लैंक प्लेस है वो बट के बाद है आया ना पहले वाले सेंटेंस में और दूसरे में ब्लैंक प्लेस बट से पहले है तो भाई बट के पहले हो या बट के बाद हो आपको ये जरूर पता है कि अगर बट के साथ एक सेंटेंस के दो क्लॉजेस को हम जोड़ रहे हैं तो उन दोनों में कॉन्ट्रास्ट का भाव होगा विरोधाभास होगा अगर बट के पहले पॉजिटिव तो बट के बाद नेगेटिव एंड वाई से वर्षा तो अब आ जाओ इधर नेगेटिव चाहिए पायस तो होता है पवित्र ठीक है पॉजिटिव वर्ड हटा दिया फिलिम्जी का कोई मतलब नहीं का मतलब जो मटेरियल बहुत हल्का फुल्का हो तो इस वर्ड को आपने कॉन्टेक्स्ट के आधार पर हटा दिया क्योंकि इस शब्द का कोई कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं यहां पे। अब यहां अब है है और inimical है। inimical का मतलब क्या होता है दोनों नेगेटिव वर्ड है बट दोनों के अगेन कॉन्टेक्स्ट में फर्क है इनिमिकल का मतलब समवन हु इज वेरी हॉस्टाइल जो आपके पक्ष में ना हो उस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं एक दुश्मनी का भाव हो एक हॉस्टिलिटी का भाव हो इनिमिकल हो वो आपके लिए परेशानी का सबब बने जबकि चर्लिश जो है ये मूड के लिए इस्तेमाल हो लेता है कि भाई किस तरह की फीलिंग है आपकी राइट right, बहुत ही चर्लिश है जैसे आप बोलते हो ना चाइल्डिश चाइल्डिश बिहेवियर क्या बचपने का व्यवहार दिखा रहे हो इमच्योरिटी चर्लिश मूड डिस्टर्ब है तो वैसे चर्लिश का थोड़ी सी डिग्री चाइल्डिस के मुकाबले हायर साइड पर तो वो यहाँ पर करेक्ट वर्ड है कि मनीषा इज़ अ वेरी एफिशियंट नर्ड नर्स बट हर पेशेंट फाइंड हर बेड साइड मैनर टू बी चर्लिस एंड अनप्लेजेंट और यहाँ पर ये यह चर्लिस बिल्कुल ठीक होगा कि जब उठता है सुबह तो मूड बड़ा मतलब उसका चर्लिश सा रहता है चिड़चिड़ा सा रहता है वो वो वाला कॉन्टेक्सट हो गया लेकिन जैसे ही उसका मूड फिर ड्रेस्टिकली इम्प्रूव करता है देख रहे हो आप बहुत तेज़ी से चाय पीने के बाद तो करेक्ट वर्ड यहां पे क्या हो गया दैट इज चर्लिश आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन सिंस हितेश डिंट स्टडी और अटेंड द क्लास ऑन अ रेगुलर बेसिस इट वाज सिंपली अ दैट ही पास द फाइनल एग्जामिनेशन विनिंग द लॉटरी इज ऑलवेज अ ड्यू टू बाइंग द लकी टिकट कंप्लीटली बाय चांस क्ल्यूक प्रोलिफिक कंडेम प्रिस्टीन किस शब्द के साथ जाओगे आप अच्छी बात है जो लोग करेक्ट हैं शाबाशी दे सकते हैं अपने आप को किस ऑप्शन के साथ जा रहे हो आप क्योंकि हितेश जो है वो डिंट स्टडी पढ़ा नहीं एंड अटेंड द क्लास ऑन रेगुलर बेसिस ना तो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करी ना तो पढ़ाई करी इट वाज सिंपली अ दैट ही पास द फाइनल एग्जामिनेशन तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या आ रहा है मतलब कहते हैं ना बाई चांस संयोग बड़ा अच्छा था पढ़ाई तो उसने करी नहीं क्लासेज अटेंड भी नहीं करी रेगुलर बेसिस पे बट ही पास द फाइनल एग्जामिनेशन करेक्ट ऑप्शन है फ्लूक फ्लूक का मतलब होता है संयोग राइट बाई चांस विनिंग द लॉटरी इज ऑलवेज अ फ्लूक ड्यू टू बाइंग द लकी टिकट कंप्लीटली बाई चांस तो लॉटरी जीतना भी क्या है संजोक की बात है फ्लूक की बात है बड़ा प्यारा शब्द आता है सेरेंडिपिटी मोमेंट ऑफ सेरेंडिपिटी सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है सेरेंडिपिटी अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्च्यून अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्च्यून यानी जब आप किसी चीज की बिल्कुल उम्मीद ना कर रहे हो और कुछ अच्छा हो जाए उसी को हम मोमेंट ऑफ सेरेंडिपिटी कहते हैं ठीक है प्रोलिफिक जो शब्द है इसका मतलब क्या कोई चीज जो अबंडेंस में हो ये भी एडजेक्टिव है यहीं से प्रोलिफरेशन आता है जो चीज अबंडेंट हो प्रोलिफिक हो भरपूर हो कंडेम करना आलोचना करना वर्ब हो गया कि और प्रिस्टीन जो है ये भी एडजेक्टिव है ये भी एडजेक्टिव है लेकिन यहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या है अब देखो इधर अगर आप देखो तो इधर नाउन की जरूरत थी इधर आर्टिकल लगा था ना आर्टिकल किसके पहले लगता है नाउन के पहले ग्रामर के बेसिस पर भी जैसे आप कहते हो को कोई भी चीज बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन में है तो प्रिस्टीन का मतलब बिल्कुल नई इसी को हम कहते हैं एक और अच्छा शब्द आता है immaculate. कि बिल्कुल इमेकुलेट कंडीशन में है, जैसे कि बिल्कुल नया हो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू इमेक्युलेट कंडीशन प्रिस्टीन कंडीशन बिल्कुल प्योर शुद्ध ताजा नया ये मतलब है और फ्लूक जो शब्द है ये नाउन है तो देखो ग्रामर के बेसिस पर यह भी एलिमिनेट हो गया वॉट सिंपली अ फ्लूक क्योंकि आर्टिकल लगाए आर्टिकल के बाद हमें नाउन चाहिए और यहां कोई नाउन लगा नहीं ब्लैंक प्लेस के बाद क्योंकि अगर नाउन लगा होता तो वह एडजेक्टिव लग जाता आर्टिकल के बाद भी कैसे जैसे हम कहते हैं शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल तो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है और आप अ भी लगा रहे हो लेकिन अब ब्यूटीफुल के लिए नहीं लगता ब्यूटीफुल गर्ल के लिए लगता है जो कि नाउन फ्रेज बन जाता है तो यहां पे वही मैं कह रहा हूं कि ब्लैंक प्लेस के बाद कोई नाउन तो नहीं लगा तो जाहिर तौर पे आर्टिकल के बाद आपका नाउन ही आएगा बात क्लियर हो गई चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं In the company, the director appeared dangerous, but in reality, he was really. अब अगेन देखो, बट लगा हुआ है ये आपको हिंट दे गया कि अगर बट से पहले कह रहा है कि डायरेक्टर जो है बड़ा डेंजरस अपियर होता है बड़ा खतरनाक डायरेक्टर है तो इसका क्या मतलब कि यहां पे आपको पॉजिटिव वर्ड चाहिए ऑल दो सुमित अब ऑल दो से भी क्या लगाते हो भाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है ये क्वेश्चन खुद बयां करता है ऑल दो यद्यप ऑल दो है दो है डिस्पाइट है यू नो बट है ये सब कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं तो ऑल दो सुमित जोक टू बी पीपल अराउंड हिम टुक इट हार्ट टू किट टू हार्ट यानी उसने अपने जोक को हल्के में बोलने की कोशिश करी लेकिन जो उसके आसपास लोग थे उन्होंने उसके जोक को दिल पे ले लिया तो अब क्या कॉन्टेक्सट है यहाँ पे ही वॉज रियली कंटेम्प्ट इनक्यूस ऑबनोक्सियस एबस्टीमियस पहले तो ग्रामर के बेसिस पे एलिमिनेट करो तो ग्रामर पर कंटेम्प्टो तो अनादर होता है कंटेम्प्ट जिसे हम कहते हैं तो ये हो गया नाउन कंटेम्प्ट एडजेक्टिव है जबकि यहां पे आप देखें तो ही रियली really, यहां पे रियली really जो शब्द है ये क्या है ये है आपका एडवर्ब तो इधर जरूरत किसकी है हमें एडजेक्टिव क्यों क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है वॉज यहां पे क्या कहा जाएगा स्टेटिव वर्ब कहा जाएगा क्योंकि ही का स्टेट बताया जा रहा है तो यहां एडजेक्टिव चाहिए और डेफिनेटली शब्द एक ही है जो हमें दोनों जगह लगाना होगा तो वो कौन सा है बताओ ऑबनॉक्सियस में नॉक इन दोनों में एक ही वर्ड है किसके साथ जा रहे हो होब्स्टीमियस तो बहुत बेसिक शब्द है एप्सटीमियस के साथ लाइफ स्टाइल शब्द बहुत जुड़ता है एब्स्टीमियस लाइफ स्टाइल का मतलब होता है जब आप बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में खाना पीना खाते हो मतलब उसी को हम कहते हैं एब्सटीमियस लाइफ स्टाइल यानी ऐसा नहीं कि भर भर के खा पी रहे हो और भर भर के और खूब खूब खाने वाले को क्या कहते हैं द वर्ड इज ग्लटन जी एल यू डबल टी ओ एन आपने कई बार वन वर्ड में एस -E में भी देखा होगा तीन शब्द इवन खाने से संबंधित हैं कमेंट में बाद में फर्क जरूर बताइएगा मैं नहीं बता रहा ये होमवर्क है आपके लिए खाने से ध्यान में आ गया तो लिख दे रहा हूँ कहीं ना कहीं इनसे मुलाकात आपकी हो जाएगी गूर में गुरमैंड एंड ग्लटन. वॉट इज द डिफ्रेंस ये ढूंढिएगा और कॉमेंट में लिखिएगा तो भाई देखो यहाँ पे वर्ड चाहिए था पॉजिटिव ऑब नॉक्सियस जो वर्ड है ये तो एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट होता है इसका मतलब इसका मतलब एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट होता है ये द हिंदू वोकेबलरी जो हम मॉर्निंग में करते हैं जब एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं वहां ये शब्द कितनी बार हो चुका है बार बार रिपीट होता है तो नेगेटिव उस समय बताया भी था आपको कि नॉक्स, नॉक और निक ये तीन होता है नुकसान होता है और यहीं से आप शब्द सीखते हो परनीसियस इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे कॉमन शब्द है तो हो गया, आपकी मुलाकात होती है खूब नॉक्सियस गैसेस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है हार्मफुल गैसेस और उसके पहले ओ ओबी प्रेफिक्स लग गया तो ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमलीजेंट एक्सट्रीमली हार्मफुल हो जाता है और एनओसी से शब्द आता है इनोक्यूस तो देखो अगर होता तो वो हार्मफुल होता लेकिन ये वर्ड है इनोक्यूस और इसीलिए ये वर्ड वर्ड पॉजिटिव है का मतलब होता है हार्मलेस और हमें समझ में आ गया कि यहां पे हमें पॉजिटिव चाहिए था कि कंपनी का डायरेक्टर लोगों को अपियर डेंजरस होता था कि बड़ा खतरनाक है ये लेकिन वास्तविकता में वो क्या था बेचारा बहुत ही हार्मलेस आदमी था इनॉक्यूअस था कई बार लोगों की इमेज ऐसी होती है वो इंसान बिल्कुल अलग होते हैं उनकी इमेज मेकिंग करने वाले उनकी इमेज बना देते हैं या कई बार फेश फेस ऐसा होता लगता है अच्छा बड़ा गुस्से वाला इंसान होगा बट ऐसा होता नहीं ठीक है वही कहानी यहां पे भी है कि सुमित ने क्या किया सुमित मेंट हिज जोक टू बी इनॉक्यूअस सुमित को यही लगा कि मेरा जोक जो है वो इनॉक्यूअस है हार्मलेस है किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा किसी को अफेंड नहीं करेगा मेरे जोक से कोई बुरा नहीं फील करेगा लेकिन हल्दो लगाए, है कॉन्ट्रास्ट के बाद लिखा द पीपल अराउंड हिम टूक इट टू हार्ट जो लोग उसके आसपास थे उन्होंने उस जोक को बड़ा सीरियसली ले लिया और दिल पर ले लिया तो ये कहानी है हाँ जी क्वेश्चन समझ आ रहा है किस तरह से फिलर्स के क्वेश्चन होते हैं सर हाउ मैनी क्लास विल कंटिन्यू हाउ मेनी मोर टाइम्स देखो ग्रामर की धज्जियाँ उड़ रही हैं यहाँ पे लर्न एंड टीच आई थिंक डेटा इज गोइंग टू फिनिश हाउ मेनी मोर टाइम नहीं हाउ मच टाइम टाइम इज अनकाउंटेबल अगर मिनट्स पूछना कितने देर तो हाउ मेनी मिनट्स मैंने सोचा हाउ मैनी मोर टाइम्स हाउ मैनी मिनट्स मिनट्स काउंटेबल है टाइम को मेजर करने की यूनिट है वहाँ मनी लगाओगे और टाइम को पूछना है तो हाउ मच टाइम टाइम इज़ अनकाउंटेबल मेजर करने की यूनिट्स काउंटेबल होती हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स इन द ड्राइंग क्लास बस आपको जल्दी विदा कर रहा हूं थैंक यू मनप्रीत कल भी हम इसी समय मिलेंगे ये चाहते हो आप कंप्लीट हो जाए कि नहीं कि यहीं पे विदा ले लें थक भी गए होगे ना देखो आज के लिए वैसे दस क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे कर लेते हैं इसको फटाफट या कल कंटिन्यू करें स्टूडेंट्स इन द ड्राइंग क्लास वर आस्ट टू फेमस पेंटिंग्स एंड मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पीस बिकॉज ही चोज टू एन अदर पेपर ही वॉज किड आउट ऑफ द क्लास फॉर चीटिंग तो स्टूडेंट्स इन द ड्राइंग क्लास वर आस्ट टू अब रिवाइव थोड़ी करोगे फेमस पेंटिंग को रेप्लीकेट करोगे रेप्लीकेट करने का मतलब होता है कॉपी करना ठीक है अब इधर भी देखो तो टू लगा हुआ है टू के बाद डेफिनेटली वर्ब आपको चाहिए वैसे वर्ब सारे हैं अब यहाँ पे मैंने वो मदद आपको नहीं दी ये सारे के सारे वर्ब हैं तो मैं ग्रामर से कोई मदद यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ अब आपको पेपर में देखो एग्जामिनर कैसे सवाल पूछता है मैं तो भी जब सवाल दे रहा हूँ क्वेश्चन दे रहा हूँ तो मैं भी जो बातें आपको बताया हूँ उस तरह से ऑप्शन को डिजाइन किया गया है कि आप उसको सोचें और समझें तो यहाँ ग्रामर से कोई मदद नहीं क्योंकि शब्द बहुत आसान है भाई रिक्रिएट सभी को पता है फिर से क्रिएट करना रीइटरेट का मतलब होता है किसी बात को रिपीट करना रिवाइव का मतलब किसी चीज में फिर से जान फूंकना आपको पता है और वाइटा रूट वर्ड है लाइफ के लिए किसी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को अगर आप रिवाइव कर रहे हैं तो इसका मतलब उस प्रोजेक्ट में आप फिर से जान डाल रहे हैं रिवाइवल रिवाइव सर्वाइवल कन्वीवियल सरवाइवल भर भर के शब्द हैं वाइवा के साथ ठीक है तो विवी सेक्शन एंटी विवी सेक्शनिस्ट विवर कल भी आया था शायद ये कहीं बॉर्न बी बॉन सो लॉट्स ऑफ वर्ड्स वी हैव विद वर्ड विदर एनी वे तो वही है ना कि पेंटिंग को कॉपी करना एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पीस बिकॉज ही चोज टू रेप्लीकेट एन अदर पर्सन पेपर ही वॉज किड ऑफ़ द क्लास फॉर चीटिंग तो वो एनअर पर्सन का पेपर रेप्लीकेट करने, करने की यानी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था उट ऑफ क्लास फॉर चीटिंग इसीलिए चीटिंग की वजह से उसको क्लास से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया ठीक है तो यह कहानी है replicate के कुछ नहीं आएगा नाउ लेट्स अगेन ये भर भर के ग्रामर वाली हेल्प दी है ऑल दो लगा है कॉन्ट्रास्ट बाद में क्या लिखा है तुरंत दिमाग लगाने लग जाओगे क्वेश्चन खुद बयां करता है एवरीवेयर ऑन द रैच दे फाउंड कैर एंड रेकेज एविडेंस ऑफ द ऑफ क्रूएल क्रिमिनल अब क्रिमिनल यहां पे किस तरह का होगा भाई हर तरफ क्या है रैंच में फाउंड कैरज एंड रेकेज का मतलब जो आपने कबाड़ा कर रखा है कहीं पे तोड़ फोड़ मचा रखी है यू हैव एवरीथिंग एक्चुअली और क्रिमिनल जो बड़ा क्रूएल है तो वो भी किस तरह का वो कायर तो होगा नहीं तो कायर का ऑपोजिट ही शब्द चाहिए करेज वैंटन रूथलेस टिमेरिटी किसकी जरूरत है यहां पे निकिता फिसल गई लर्न और टीच भी, भी फिसल गए तनुजा आनंद भी फिसल गई हैं मेघा भी फिसल गई शिल्पी भी फिसल गई चलो फिसल गई तो मैं बता रहा हूं तो देख लो अब क्या लगना चाहिए बहुत अच्छे अनिकेत वेरी गुड भाई देखो ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी ग्रामर के बेसिस पे किस ऑप्शन को बाहर कर रहे हो पहले ये बताओ एलिमिनेशन एलिमिनेशन देखो वेंटन और रूथलेस ये दोनों के दोनों शब्द जो हैं ये एडजेक्टिव वाले हैं अभी मैंने एक शब्द बोला था वैंडलिज्म उसके साथ ये वेंटन का बड़ा इस्तेमाल होता है वेंटन वैंडलिज्म हम कहते हैं जैसे मान लो किसी के जाकर के तुमने किसी के रेस्टोरेंट में तोड़ मचा दी तो वैंडलिज्म कर दिया तो वेंटन वही है कि बिना किसी कारण के जब किसी को परेशान करने के लिए हर्ट करने के लिए आप कुछ उठा पटक करते हैं तो उसी उसके लिए जो एडजेक्टिव का शब्द है वो वेंटन है और वेंडलिज्म नाउन है तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये वेंटन वेंडलिज्म था यानी वो अनप्रोवोक् था कोई उसकी जरूरत नहीं थी ऐसा नहीं कि सामने वाले ने आप तो कुछ बोला था लेकिन फिर भी आपने उसको तबाह करने के लिए बर्बाद करने के लिए परेशान करने के लिए जब कोई भी कृत्य आप करोगे तो उसको कौन डिस्क्राइब करेगा वेंटन करेगा उसमें पूरा का पूरा आपका सिर्फ एक ही पर्पज होता है कि उस इंसान को आप हर्ट करो उसकी चीजों को डैमेज करो बिना किसी कारण के और रूथलेस एलईडस लगा हुआ है आप जानते ही हो जैसे मीनिंगलेस रूथलेस बिहेवियर जहाँ पे दिल आपको दिखे ही ना तो यहाँ पे जरूरत हमें किसकी है देखो द लगा हुआ है द भी आर्टिकल है उसके बाद नाउन चाहिए ऑफ क्या है ऑफ है प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन किसके पहले पोजिशन होते हैं भैया है? नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई प्रोनाउन तो है नहीं तो दोनों में नाउन की ही दरकार है नाउन की जरूरत है अब आप कहोगे सर जैसे करेज आपने चूज किया है अब यहाँ पे आप क्या नहीं देख पाए इसीलिए मैंने कौन सा पॉइंट बोला था कॉनोटेशन शब्द एक ही तरह के मतलब रखते हैं बट उनमें कॉनोटेशन का फर्क होता है यानी एटीट्यूड का एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है तो जो करेज शब्द है भाई ये भरपूर पॉजिटिव शब्द है और बात हम यहां पे कर रहे हैं किसकी क्रिमिनल की तो क्रिमिनल के लिए कोई पॉजिटिव वर्ड लगाओगे क्या नहीं तो यहां पर टिमेरिटी आ जाएगा अब देखो एक होता है शब्द ना साहस और एक होता है दुस्साहस साहस तो दोनों में है तो करेज जो है ये साहस वाला वर्ड है ये पॉजिटिव शब्द है इसीलिए एक शब्द दुस्साहस के लिए ब्रेजन भी आता है एडजेक्टिव के तौर पे ये तो खैर टिमेरिटी नाउन है ब्रेजन ब्रेजन और और ब्रेव ब्रेव ये भी कॉनोटेशन का डिफरेंस है 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 एडजेक्टिव पॉजिटिव हो गया साहसी और ब्रेजन जो है वो दुस्साहसी राइट तो साहसी एडजेक्टिव है साहस नाउन है तो ये करेज जो है पॉजिटिव वर्ड है ये दुस्साहस हो गया टिमेरिटी इसीलिए टिमेरिटी के लिए शब्द आता है ओडेसिटी जहां आप थोड़ा बोल्डनेस दिखा रहे हैं जरूरत से ज्यादा ही

टिमेरिटी ऑफ द क्रूअल क्रिमिनल जो क्रूएल क्रिमिनल था निर्दयी क्रिमिनल था उसकी टिमैरिटी उसकी ऑडेसिटी उसका बोल्डनेस बट नेगेटिव सेंस में बदतमीजी वाला देखो तमीज और बदतमीज में फर्क होता है ना तो ऑडेसिटी जो वर्ड है ये एक्चुअली न्यूट्रल कैटेगरी का वर्ड है दोनों तरह से इस्तेमाल हो लेते हैं ये शब्द इनकी खासियत यह है जबकि करेज जो है वो सिर्फ पॉजिटिव वर्ड है तो जैसे ऑडेसिटी एक तो वो वाली होगी कि बोल्डनेस यानी तुम बदतमीजी थोड़ी दिखा रहे हो जरूरत से ज्यादा ही बोल्ड हो रहा जहां जरूरत नहीं है और ऑडेसिटी इस सेंस में भी यूज हो जाता है कि आप किसी बुरी परिस्थिति में से जब अपने आप को निकालते हैं राइट right? सो so वो आपका एक ऑडेसियस स्टैंड होता है कि हर तरफ विपरीत परिस्थितियां थी और आपने एक ऑडेसियस स्टैंड लिया और आप उस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकले तो जो न्यूट्रल कॉनोटेशन uh, के वर्ड होते हैं ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का रंग ले लेते हैं लेकिन करेज एक आउटराइटली पॉजिटिव वर्ड था जिसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हिंट आपको दिख रहा है क्रूएल क्रिमिनल की बात हो रही है तो क्रिमिनल के लिए करेज शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करोगे टेमेरिटी का करोगे क्लियर हो गई बात यहां तक एवरीवन एवरीवन क्लियर प्लीज मेक अ प्ले लिस्ट फॉर योर यूट्यूब क्लास देर इज अ प्ले लिस्ट अवेलेबल इस चैनल पे प्ले लिस्ट अवेलेबल है पीछे ग्रामर की भी पांच क्लासेस हुई थी मेरी Uh, तो वो भी है वहीं पर शादी अभी या बैंकिंग वाले प्लेलिस्ट में ये क्लासेस ऐड होंगी तो वो प्लेलिस्ट बन जाएगी क्लियर हो गया सभी को सवाल समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आ गया क्या अब आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि इंग्लिश में भी मैथमेटिकल एक्यूरेसी लाई जा सकती है इसीलिए मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे हैं इसी करियर विल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जिन्होंने इंग्लिश में भी तीस में तीस लिया है आरबीआई अभी असिस्टेंट का भी रिजल्ट आया है उसी की मैं बात कर रहा हूँ तीस में सत्ताईस नंबर लेके आने वाले भी बच्चे हैं जब कट ऑफ दस ग्यारह नंबर कई बार रहता है तो जब आपको मैथमेटिकल एक्यूरेसी निकालने आ जाएगी यार ये सारे कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब और ग्रामर तीनों का मिक्स है कि नहीं है यहाँ पे लोगों को लगता है कि इंग्लिश अलग अलग होती है कोई कहता जी मेरी ग्रामर अच्छी है वकैब अच्छी नहीं है वुकैब अच्छी है ग्रामर अच्छी है नहीं कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है देखो तो इंग्लिश या तो अच्छी होती है या नहीं होती है एज सिंपल एज दैट क्या यहाँ पे ग्रामर का इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं बार बार कंजंक्शन बता रहा हूँ यहां कॉन्ट्रास्ट देखो क्या वो कैब के ज्ञान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्या क्या सेंटेंस को पढ़ करके कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहे क्या अंडरस्टैंड कर रहे तभी तो कॉन्टेक्ट समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव वर्ड चाहिए कि नेगेटिव वर्ड चाहिए तो इंग्लिश को अगर होलसम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं पूरे तरीके से पूरी कमांड चाहते हैं तो फिर जुड़े अंग्रेजी को एक अलग निगाह से देखने की कोशिश करें ठीक है यहीं पर रोक दें विराम लगा दें कर लोगे चलो यहीं पे लगाते हैं समय बहुत हो गया कल बात करेंगे दो क्वेश्चन और हैं कल भी मुलाकात होगी कल भी फिलर्स को ही कंटिन्यू रखेंगे तो यही टॉपिक कंटिन्यू रखें आया ना इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं इसे में कुछ और क्वेश्चन का इजाफा करूंगा उसको भी कल प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे इन प्रैक्टिस के साथ आपकी समझ बढ़ेगी बाकी बैचेस में डिटेल मैनर में पढ़ना चाहते हैं सीखना चाहते हैं बैचेस अवेलेबल हैं आपकी वोकैब और कॉम्प्रीहशन की वी भी अवेलेबल है आ, मेरी जिसमें कुछ 95 फाइव आवर्स की क्लासेस हैं सिर्फ वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक्स बहुत ही डिटेल्ड मैनर में वी में मिल जाएगा आपको लाइव पढ़ना है इंग्लिश स्पेशल बैच 19 है उसमें भी शायद आप चेक कर लेंगे और बैंकिंग का बैच बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नया नया बैच है तो इसमें भी जुड़ जाइए जैसे तो मैंने कहा कि पैंतीस चालीस हज़ार अपॉर्चुनिटी हमें पूरे साल में मिलती हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में चीजों को तरीके से करोगे बिल्कुल मुश्किल नहीं है मन में हवा बनाया जाता है क्या ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे मुश्किल तब लगेंगे जब तरीके नहीं पता है या हमारा लेवल ही नहीं है या हम बहुत नीचे लेवल पे खेल रहे हैं और उसी को हमने बहुत हवा बना रखा है तो ये भी क्वेश्चन सभी बिल्कुल मॉडरेट लेवल के हैं सब एलिमिनेशन से ज्यादातर क्वेश्चन आठों के आठों क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हुए गलत ऑप्शन को हमने एलिमिनेट किया है सही पे हम ऑटोमेटिकली पहुंच गए तो जब तरीके आप सीखोगे आपको पता होगा तो कोई भी पेपर मुश्किल नहीं है इन्हीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मतलब इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ के अभी बहुत सारी बच्चियां और बच्चे जो हैं इक्कीस बाईस साल के वो पीओ सेलेक्ट हुए हैं आई बी पी एस पीओ भी बने हैं एस बी आई पी ओ भी बने हैं और ये पेपर निकालना आपको पता है उतना आसान नहीं होता और ये बच्चे बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के हैं इनके जो बैकग्राउंड है वो बच्चे बहुत सारे फार्मर्स वाले बैकग्राउंड से आते हैं और 21-22 साल की उम्र में ये बच्चियां हैं अभी हरियाणा की उत्तर प्रदेश की हर जगह से निकल के आते हैं बच्चे और वो बच्चे बैंक का पेपर क्लियर कर रहे हैं इसी करियर वेल बैंकिंग टीम के साथ तो आप भी जुड़िए किसी भी तरह का जो प्री कंसीव नोशन उसको है उसको हटाइए थोड़ा रियलिटी चेक करिए कि है क्या हम हवा में ज़्यादा रहते हैं पेपर आपको देना अभी जैसे एक मैडम लगातार नोटिफिकेशन के बारे में पूछ रही थी तो नोटिफिकेशन आप नेट पर चेक कर सकते हैं ना आपको स्टूडेंट के तौर पे कई बार पता ही नहीं होता कि क्या पूछना है क्या करना है हम यहाँ पे इतने सीरियस सब्जेक्ट मैटर डिस्कस कर रहे हैं मैडम ने कम से कम बीस बार किया है डी ट्रिपल एस बी के पी का नोटिफिकेशन कब आएगा तो थोड़ा सीरियसली लो अपनी पढ़ाई को भी यहाँ पे पी का नोटिफिकेशन बताने के लिए तो हूँ नहीं मैं आएगा तो पता ही लग जाएगा नेट पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं बता रहे हैं के लिए आपको और आप भी पढ़े लिखे वही नेट मेरे पास भी है डी ट्रिपल एस बी पी का नोटिफिकेशन के लिए मुझे कोई स्पेशल सूचना तो मिलेगी नहीं कि मैं यहाँ बता दूँ आपको तो थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति संजीदगी दिखाएं क्लासेस में संजीदगी दिखाएं चीज़ों को सीखें कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है ठीक है बहुत धन्यवाद कल मिलते हैं इसी समय थैंक यू हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आप सभी का स्वागत है इस सेशन में कुलदीप ओम मेघा कौशल आरोही कैसे हो आप सब आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट आई एम ऑडिबल एंड यू ऑल प्रॉपरली एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिए सब ठीक ठाक वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग चलिए सो यहाँ पे कल भी हमने सेशन किया था और इसी टॉपिक को लेकर के किया था फिलर्स और जो हमारी पूरी बैंकिंग की टीम है उसने इस वीक आपको क्लासेस दी हैं नेक्स्ट वीक भी ये क्लासेज आपकी जारी रहेंगी वनडे से और जो टाइमिंग है हमारी वो है सिक्स टू एट राइट सिक्स टू सेवन आप मैथ्स कर रहे हैं और सेवन टू एट रीजनिंग एंड इंग्लिश और बैंकिंग बूस्टर करके इस चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे वो सारी वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज टॉपिक्स कई बार कनेक्टेड होंगे जो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं जो चीज़ें सीख रहे हैं जैसे कल के सेशन में मैंने फिलर्स को लेकर के सिंपल कॉन्सेप्ट के डिस्कशन किए थे कि किस तरह का अप्रोच आपको लेना होता है फिलर्स में और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे परेशान सब होते हैं और हर तरह के एग्जाम में भी पूछा जाता है तो यहाँ पे ज्ञान भी लो क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करो किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो भी आप साथ ही साथ सीख रहे हैं आइए लेट्स गेट स्टार्टेड आज जो हमारे पास फिलर्स हैं ये सिंगल फिलर्स हैं जो कि लगभग हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं एक तरीके से राइट सो आ जाओ पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्टॉप इन्वाइटिंग हिम टू बैक यार्ड बारबिक्यूज यहां पे है ब्लैंक प्लेस और हमारे पास चार शब्द हैं इन चारों में से एक का चुनाव आपको करना है किसके साथ जाओगे सबसे पहला स्टेप क्या था सबसे पहला स्टेप है दिए गए सेंटेंस को पढ़ करके कॉन्टेक्स्ट को समझना कि सेंटेंस क्या कह रहा है कॉन्टेक्स्ट की समझ के बाद आप ग्रामेटिकल हेल्प देख सकते हो कि भाई मुझे ग्रामेटिकल हेल्प क्या मिल रही है इस ब्लैंक प्लेस में किस ग्रामेटिकल प्रोफाइल का शब्द चाहिए नाउन चाहिए एडजेक्टिव चाहिए वर्ब चाहिए एड चाहिए उस बेसिस पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं फिर कॉनोटेशन के बेसिस पे कर सकते हैं कि हमें इस ब्लैंक प्लेस में पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए तो बहुत सारे तरीके हैं आंसर आना शुरू हो गया और अनिकेत का जवाब आया है मेघा का आया है कुलदीप का और बहुत अच्छी बात ये सही भी है तो पहले क्या पता लगा आपको यहाँ पे किस तरह का वर्ड चाहिए जिस वर्ड की ज़रूरत है वो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि उसके पड़ोसी ने उसके मैनर को बॉसी और इरिटेटिंग पाया तो डेफिनेटली मैनर को डिस्क्राइब करने वाला जो शब्द होगा वो भी एडजेक्टिव होगा आया ना अब यहां पे देखो कौन सा शब्द पहली बात ग्रामर के बेसिस पे आप एलिमिनेट कर सकते हो मॉडेस्टी मॉडेस्टी जो शब्द है ये नाउन है इससे बनने वाला एडजेक्टिव होता है मॉडेस्ट बहुत ही मॉडेस्ट पर्सन बहुत ही हम्बल तो डेफिनेटली ये शब्द तो ग्रामर के बेसिस पे बाहर हो गया अब इन बाकी तीन की बात करें तो ये भी एडजेक्टिव है ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है यानी ग्रामर के बेसिस से अब आपको सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने की ताकत मिली अब इन तीनों में हम देखें तो कॉन्टेक्स्ट हमें शब्द कैसा चाहिए नेगेटिव इनोवेटिव कैसा शब्द है ये एक पॉजिटिव शब्द है इनोवेटिव इंसान नवाचार करता है नई चीज़ें ईजाद कर सकता है सोच सकता है तो ये पॉजिटिव शब्द हो गया और बिनाइन शब्द भी पॉजिटिव है यहां पे जो रूट वर्ड है वो है बी ई एन और यहां जो रूट वर्ड है वो एन ओ वी लगे हाथ कुछ शब्दों का भी ज्ञान बढ़ा ले देखो बी ई एन का मतलब होता है गुड और जो दूसरा यहाँ पे वर्ड है एन ओ वी इसका मतलब होता है न्यू और बी एन है हमारा गुड कितने सारे शब्द ध्यान में आ रहे हैं पहला तो जो वर्ड है बिनाइन बिनाइन का क्या मतलब होता है अगर किसी इंसान के लिए बिनाइन का इस्तेमाल कर रहे हो इसका मतलब सम वन काइंड एंड जेंटल इवन अगर किसी का कैंसर या ट्यूमर बिनाइन स्टेज में है इसका मतलब कैंसर अभी उसका प्राथमिक चरण में है ठीक है यहीं से बेनिगनेट शब्द आता है यहीं से आता है बेनोवलेंट जो आपका भला चाहे यहीं से आता है बेनिफैक्टर जो आपका भला करे राइट यहीं से आता है शब्द बेनिफिसेंट बेनिफिसेंट का मतलब परोपकारी जो दूसरे का उपकार करे यहीं से आता है अगर आप किसी को आशीर्वाद दें उसे हम कहते हैं बेनिडिक्शन ठीक है तो बेन से बड़े सारे शब्द हैं और ऐसी एनओवी का मतलब न्यू करना है तो सबसे पहले तो यही है इनोवेट करना इनोवेट वेनोवेट भी जानते हैं री का मतलब अगेन का मतलब नया करना यानी किसी चीज को तोड़ के फिर से नया करना दैट इज रेनोवेशन नोविस आप सब जानते हो जो इंसान किसी फील्ड में बिल्कुल नया नया है जिसको आप एक्सप्रेशन में नौ बोलते हो नोविशिएट राइट तो एन ओ वी नए के लिए है तो अगर आप मैजिस्टीरियल शब्द के बारे में सपोज नहीं भी जानते थे एलिमिनेशन की टेक्निक से आपको बात समझ आ गई कि यही यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा तो मैजिस्टीरियल मैनर तो जो अब मैजिस्ट्रेट से आप देख सकते हो किस तरह का एक हॉटी एक बॉसी बिहेवियर तो उसके जो पड़ोसी हैं उसके मैजिस्टेरियल मैनर को बहुत ही बॉसी और इरिटेटिंग बातें हैं इसीलिए उन्होंने उसको बैकयार्ड बारबेक्यूज में इनवाइट करना बंद कर दिया अपने घर के पीछे बैकयार्ड में बारबेक्यूज बारबेक्यूज जानते हो आप ना खुले में खाना पकाना चलिए चे तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया एलिमिनेशन आइए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर वही देखना है आपको पहले ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखो किस ग्रामेटिकल प्रोफाइल का शब्द चाहिए फिर देखो पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए कॉन्टेक्स्ट क्या है जॉन इज ऑलवेज अबाउट शोइंग ऑफ फॉर वर्क बिकॉज ही फील्स दैट टार्डिनेस इज अ साइन ऑफ इरेस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी आपको सिंग sing, ये सिंगल फिलर मिलते हैं ना क्योंकि लंबे सेंटेंसेज होते हैं उनमें क्लॉजेज होते हैं अब देखो बिकॉज के बाद अगला क्लॉज है बिकॉज से पहले वाला जो क्लॉज है उसमें ब्लैंक प्लेस है इसका मतलब बिकॉज के बाद जो लिखा है ना आप वहां से हिंट ले सकते हो कि मुझे किस तरह का वर्ड चाहिए टार्डिनेस का मतलब क्या होता है अगर यह शब्द आपको पता है तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे टार्डिनस एनी डबल एस लगा हुआ है नाउन है वो स का मतलब होता है अनपंक्चुअलिटी अनपंक्चुअलिटी की आप समय पे कहीं नहीं पहुंच रहे किसके साथ जा रहे हो भाई अनिकेत डी मेघा भी डी, शिल्पी भी डी बहुत अच्छे आदित्य देखो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है ना कि जॉन इज ऑलवेज अबाउट शोइंग अप फॉर वर्क बिकॉज ही फील्स दैट टार्डीनेस इज अ साइन ऑफ इनरेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेजिबल बहुत बार आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आया हुआ है इलेजिबल एक शब्द आता है इलेजिबल का क्या मतलब होता है जिसको पढ़ा न जा सके एलिजिबल राइटिंग जिसे हम बोलते हैं विच कांट बी रेड विच कांट बी रेड तो लेजिबल जिसको पढ़ा जा सके अब इस वर्ड का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है ठीक है टॉलरेबल जिसको टॉलरेट किया जा सके पंक्चुअल जो पंक्चुअल हो समय से हो और यही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि जॉन जो है वो हमेशा से पंक्चुअल है अबाउट शोइंग अप फॉर वर्क इसका मतलब काम पे बिल्कुल समय में पहुँचता है क्यों क्योंकि वो ये फील करता है कि जो अनपंक्चुअलिटी है वो साइन है किस चीज़ का इ का कि आप गैर जिम्मेदार हैं जिम्मेदारी का परिचय देता है लेट पहुंचना तो इसीलिए वो टाइम पे रहता है तो कॉन्टेक्स्ट आपको खुद ही मिल गया था तो यहाँ पंक्चुअल होगा और बेलीजरेंट जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे बेली जो है वो रूट वर्ड है एक्चुअली बेल या बेली का मतलब होता है वॉर लाइक -like, युद्ध जैसा जो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो ठीक है तो बेलीजरेंट शब्द का जो लिटरल मतलब है ये तो मैंने रूट का मतलब बताया यहीं से रेबेल रेबेलियन सब कुछ आता है इसका मतलब होता है एग्रेसिवली होस्टाइल होस्टाइल का मतलब इनिमिकल जो आदमी बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है और इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है थ्री इडियट्स के वीरू सहस्रबुद्ध वायरस का जो कैरेक्टर है राइट सो ही वॉज हैविंग अ बिग बेली एंड ही वॉज ऑलवेज वेरी खड़ूस रेडी टू फाइट दिस इज वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर थ्री राइट राजू रस्तोगी को बोलता है ना तो इस तरह का जो इंसान है जो एग्रेसिवली होस्टाइल है उसको हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड बेली सर तो इसका कोई लेना देना नहीं था और यहीं से आपके पास रेबेल rebel, रेबेलियन ये सारे शब्द आते हैं और इवन दो बड़े प्यारे शब्द और आते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं वो है एंटे बैलम और एंटे बैलम का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है पोस्ट बैलम और ये शब्द आपको बहुत देखने को मिलता है कहाँ पे आर्टिकल्स में खास तौर से जब देशों के बीच में युद्ध चल रहा होता है तो एंटे का मतलब होता है बिफोर प्रिफिक्स के तौर पे ये प्रिफिक्स है यानी बिफोर वॉर यानी युद्ध के पहले क्या स्थिति थी वहाँ पे और पोस्ट जो होता है वो आफ्टर होता है यानी आफ्टर वॉर क्या सिचुएशन है तो बिफोर वॉर और आफ्टर वॉर इनसे भी बहुत सारे शब्द हम हमारे पास पहुंचते हैं जैसे ए एम है पी एम है एंटी मेरीडियन पोस्ट मेरीडियन एंटी न्यूपिटल पोस्ट न्यूपिटल पोस्ट मॉर्टम मरने के पहले मरने के बाद ये सारे शब्द यहीं से निकल के आते हैं एंटीपैटम बच्चे के जन्म के पहले पोस्ट बच्चे के जन्म के बाद राइट सो पहले और बाद के हैं ये चलिए आगे बढ़ते हैं Being able to afford this luxury car will getting a better paying job. अब देखो ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको क्या बता रहा है कि भाई मुझे यहां पे जरूरत है किसकी वर्ब की क्योंकि विल लगा है अब मुझे बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 100% एक्यूरेसी लेके आनी है आपको पिलर्स में क्लोज टेस्ट में हो हो, हो हो अब देखो ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर देखी जाए कर लिया आपने अपना काम एबीसीडी मीडिएशन जो शब्द है ये तो नाउन है आया ना मीडिएशन का मतलब मध्यस्थता मीडिएट हो गया वर्ब किसी के दो पार्टीज के बीच में मध्यस्थता करना मीडिएशन हो गया नाउन ठीक है तो मीडिएशन तो यहीं पे बाहर हो गया क्योंकि हमें पता है अब यहाँ पे हमें अपने दूसरे हथियार लगाने पड़ेंगे और देखो बिल्कुल एक मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ फिलर्स और क्लोज टेस्ट में सीख रहे हैं कि जो हमारे पास टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना पहले ग्रामर के बेसिस पे एलिमिनेट करो फिर उसके बाद देख लो टोनैलिटी कैसी है पॉजिटिव नेगेटिव पे मदद मिल रही है क्या फिर कॉन्टेक्स्ट है आपके पास कॉनोटेशन कॉन्टेक्स्ट तो कह रहा है कि बीइंग एबल टू अफोर्ड दिस लग्जरी कार विल गेटिंग अ बेटर पेइंग जॉब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है डी फॉर डेली नेसेसिटेट यानी इस लग्जरी कार को अफोर्ड करने के लायक बनने के लिए किस चीज की जरूरत होगी विल नेसेसिटेट गेटिंग अ बेटर पेइंग जॉब की एक ऐसी नौकरी पकड़ो जो बेहतर तनख्वाह दे तो जब अच्छी तनख्वाह मिलेगी पेमेंट आएगी आपको रेम्यूनोरेशन आपको अच्छा मिलेगा तभी जा करके तो लग्जरी कार अफोर्ड कर पाओगे अब हुआ क्या कि ये शब्द तो आप बचपन से सुन रहे हैं नेसेसरी हाँ या ना नेसेसरी क्या है एडजेक्टिव है ठीक है और नेसेसिटेट क्या है इसी से बनने वाला वर्ब है नेसेसरी नेसेसिटेट राइट right? नेसेसैरिली की अगर बात करी जाए ने तो ये क्या बन जाता है ये एडवर्ब बन जाता है और वहीं पे अगर बात करूं मैं नेसेसिटी की नेसेसिटी की तो ये क्या है ये नाउन है अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपकी क्लियर नहीं है ग्रामर के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है मैं ये बात आपको बार बार कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर है ना इन ये कोई इतनी इनकी डिफिकल्टी लेवल हायर नहीं होती है दिक्कत हमें तब आती है जब हमारे फंडामेंटल्स क्लियर ना हो कल भी इसी बात का मैंने आग्रह किया था कि भले ही ये टॉपिक जो है ये किसमें आएगा कॉम्प्रहेंशन में आएगा कि भाई यहां पे आपको लिखी हुई लाइन को पढ़ना है समझना है वो का इस्तेमाल है लेकिन भाषा को समझने के लिए व्याकरण और शब्द दोनों की समझ चाहिए अगर आपको समझ नहीं है तो फिर आप यहां पे फंस जाओगे ठीक है तो यहां पे नेसेसिटी नाउन आवश्यकता नेसेसिटेट आवश्यकता होना नेसेसरी आवश्यक और नेसेसरली आवश्यक रूप से ये मतलब हो गए ये एक ही शब्द के अलग अलग ग्रामेटिकल डेरिवेटिव तो इसके लिए जरूरत क्या होगी एक बेटर पेइंग जॉब की तो रीटरेट का मतलब कल भी हमने चर्चा की थी रेसिप्रोकेट भी बहुत ही आसान सा शब्द है रीइटरेट uh, करने का मतलब उसी बात को री re, रिपीट करना फिर से कहना रीटरेट करना करनाटरेशन uh, जो है वो नाउन है रिटरेट वर्ब है और रेसिप्रोकेट क्या होता है आदान प्रदान करना रेसिप्रोकल फंक्शंस आप मैथ्स में भी पढ़ते हो प्रोनाउन में भी आपके पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है ईच अदर और वन इन आपको याद होगा जब दो लोगों के बीच में आपस की बात होती है राइट तो अपार एंड आयुष आर प्लेइंग विद ईच अदर तो ईच अदर यहाँ पे क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है कि एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं ठीक है तो यहां पे कॉन्टेक्स्ट आपको क्या बता रहा है कि इसके लिए इस लग्जरी कार को अफोर्ड करने के लिए जरूरत होगी एक बेहतर पेइंग की रीट रेट का क्या मतलब है यहाँ पे तो ये करेक्ट ऑप्शन है बाकी सारे के सारे यहां पे गलत है ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अविनाश अनोंगलीफ बाय होल्डिंग ओपन द एलिटेड डोर्स एंड एंज्योरिंग एंश्योरिंग हिज स्केप सेशन को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मित्रों के साथ बहुत सारे लोग समझते हैं किस तरह के टॉपिक जो हैं वो तुक्के पे चलते हैं यहाँ पे भी आप हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी लेके आ सकते हो बिल्कुल वही अप्रोच लेना सबसे पहले ग्रामर का चेक लगाना कि ग्रामेटिकल बेसिस पे कौन से ऑप्शन को हम बाहर कर सकते हैं शर्मा जी कह रहे हैं है। तो उसके लिए आपको टीम को कॉल करनी पड़ेगी शर्मा जी जी कॉन्टेक्ट समझ में आ गया क्या सेंटेंस पढ़ करके समझ में आ रहा है कि क्या माहौल बता रहा है ये सेंटेंस अविनाश अनोंगलीफ बाई होल्डिंग ओपन द एलिटरिंग हिज यानी अविनाश को पता ही नहीं था कि ये चोर है ये थीफ है और अनजाने में अनोइंगली उसने एलिवेटर का दरवाजा खुला रखा और एक तरह से चोर को भागने में उसने मदद कर दी ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है अब यहां पे आप अगर देखें तो ग्रामर के बेसिस पे आपको समझ में तो आ ही रहा है भाई इधर अविनाश सेंटेंस का हो गया सब्जेक्ट आया ना ये हो गया सब्जेक्ट अनोंगली हो गया एडवर्ब ठीक है तो यहां क्या चाहिए हमें यहाँ तो हमें वर्ब की दरकार है और जरूरत है अब यहाँ आंखें खोल के देखोगे आप तो सैंक्शन जो शब्द है ये तो नाउन है ठीक है सेंशनड लिखा होता तो बात समझ आती अब को एर्स्ड सॉलिसिटेड और अबेटेड ये सब के सब वर्ब हैं और टेक्निकली वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है मैं यहाँ वीट्यू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम थर्ड फॉर्म लिख नहीं सकते हैज हैव हैड ऐसा कुछ तो लगा नहीं है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसका मतलब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगेगी पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर बनेगा तो उस लिहाज से ये सारे के सारे ग्रामेटिकल बेसिस पर सिर्फ हमें एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने का फायदा हुआ अब इन तीनों में कैसे डिफ्रेंसिएट करोगे कॉन्टेक्स देखना पड़ेगा कोयर्स करने का क्या मतलब होता है भाई कोयर्स करने का मतलब होता है जब आप किसी से जबरदस्ती कोई काम करवा रहे हो राइट फॉर दबाव बना करके थ्रेटन करके धमकी दे करके कि हाँ ये काम करो तुम राइट तो उसको कहा जाता है कोयर्स करना तो यहां पे ऐसा तो कोई कॉन्टेक्स्ट है नहीं कि अविनाश द थीफ बाय होल्डिंग ओपन द एलिवेटर डोर कि नहीं जाइए साहब नहीं? तो इसको तो बेचारे को पता ही नहीं है सोलिसिट करने का क्या मतलब है ये तो खूब आप एडवर्टीजमेंट में सुनते हो क्या कहां पे इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोलिसिटेशन तो सोलिसिट करने का मतलब किसी से कुछ अनुरोध करना तो ये तो नहीं कहेगा चोर जी चोर जी जाइए मैंने आपके लिए खोल रखा है बेचारा अनो इंग्लिस को तो पता ही नहीं है कि वो चोर है तो यहाँ पे जो वर्ड करेक्ट है वो क्या है वो है अबेटेड और अबेट करने का क्या मतलब होता है ये लगे हाथ दो कंफ्यूजिंग वर्ड समझ लो आप ये होमोफोन्स हैं एक है अबेट और दूसरा है अबेट दोनों की प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है अबेट एंड अबेट अबेट का मतलब क्या होता है किसी चीज को रिड्यूस करना डिटेरियोरेट करना, करना किसी चीज की ताकत को कम करना ड्विंडल करना ये सारे शब्द आ जाएंगे और अबेट का मतलब क्या होता है टू प्रोवोक टू प्रोवोक टू डू नेगेटिव राइट टू डू अ रॉन्ग डूइंग ये भी कह सकते हैं एक गलत काम करने के लिए आप किसी को प्रोवोक करें या आप ये भी कह सकते हो फैसिलिटेट करें करने देने में उसको मदद करें दोनों कहानी है यहाँ पे उसको कहा जाता है अबेट करना कहाँ सुनने पढ़ने को मिलता है तो अबेटमेंट टू सुसाइड आप बहुत सुनते हैं टू सुसाइड के चार्जेस लगाए जाते हैं आरोप लगाए जाते हैं अगर किसी ने आत्महत्या कर ली तो उसने तो आत्महत्या कर ली लेकिन अगर तफ्तीश में ये पता लगा कि ये व्यक्ति जिम्मेदार है इसकी आत्महत्या के लिए इसने इस तरह का माहौल क्रिएट किया इस तरह से इसको इमोशनली मेंटली या फिजिकली टॉर्चर किया किस व्यक्ति ने

उस बच्ची का शोषण कर रहा है सपोज कई बार ऐसी भी न्यूज आ जाती जा है कि पिता ही अपनी बच्ची का शोषण कर रहा है और माँ को इसके बारे में पता है और बच्ची परेशान होकर एक दिन जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है तो जो बाप है वो रेपिस्ट के चार्ज में अंदर जाएगा और माँ के ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो अबेटमेंट टू रेप के चार्जेस लगेंगे तो यहाँ ऐसा नहीं है कि माँ ने उकसाया रेप करने के लिए लेकिन माँ के संज्ञान में था उन्हें पता था और उन्होंने ये होने दिया तो अगर आप अपराध को प्रश्रय देते हैं उसको होने देते हैं फैसिलिटेट करते हैं चाहे मजबूरी में ही क्यों ना ऐसा नहीं कि मां चाहती होगी हो सकता है पति हिंसक हो शराबी हो राइट वो कमजोर फील कर रही है किसी भी तरीके से अगर आपने उसको होने दिया तो भी आप दंड के भागी होंगे और वहां पे ये शब्द आता है अबेटमेंट राइट अबेट तो अबेट वर्ब है अबेटमेंट जो है वो नाउन है तो वही है कि अविनाश ने अननोइंगली ये अपराध होने दिया कि उसने उस चोर का स्केप एक तरह से सुनिश्चित कर दिया कि भाई भाग जाओ पता ही नहीं था कि वो चोर है तो एलिवेटर का दरवाजा उसने खोला खुला रखा और एंश्योर किया कि चोर भाग जाए यानी गलत काम होने में उसने एक तरह से अनजाने में ही मदद की तो इसलिए ये जो वर्ड है अबेट ये यहां पे करेक्ट है सबको समझ में आ गया या ना एसर नो एवरी वन इज क्लियर विद दिस चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे कुयर्स आपको समझ में आ गया ना टू परसुएड सम वन टू डू समथिंग और यानी प्रेशर बना के काम कराओ देखो परसुएट तो मनाना है मनाना तो आप प्यार से भी सकते हैं और मनाने के लिए हमारे पास शब्द हैं जैसे कोक्स करना किसी को कजोल करना बड़े सारे शब्द हैं बट सभी के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं तो कोयरसिंग का मतलब प्रेशराइज कर रहे हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी प्रिंस फिलिप हैड टू चूज मैरी द वुमेन ही लव्ड एंड हिज राइट टू द थ्रोन आर मैरी लेडी फ्योना एंड इनहेरिट द क्राउन तो आप खुद देखो चॉइस की बात हो रही है यहाँ पे और एक जो शर्त है वो कंप्लीटली लिखी हुई है मतलब और के बाद जो बात लिखी है वो पूरी बात लिखी है तो इस पूरी लिखी हुई बात से हमें हिंट लेना है मदद लेनी है और यहाँ पे सही शब्द का चुनाव करना है तो सबसे पहले तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर आप देखो तो क्या समझ आ रहा है किसके साथ जाओगे रेप्रिमांड, ये बाहर हो जाएगा रेप्रीमांड जो होता है वो एक तरह तो, तो जैसे हम कहते हैं रेप्रीमांड करना या करना, या करना राइट जब आप किसी चीज को डिसअप्रूव करते हैं डिसअप्रूव करना फटकार लगाना स्कोल्ड करना भर्सना करना ये मतलब है रेप्रीमांड का डिनाउंस का मतलब भी कुछ इसी तरह का है क्रिटिसाइज करना राइट तो यहां पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है extol का मतलब होता है जब आप बहुत ही जोश और जुनून के साथ किसी की तारीफ करते हैं इफ यू आर प्रेजिंग समवन एंथुजियास्टिकली राइट टू प्रेज समवन टू प्रेज समवन एस एम एंथुजियास्टिकली बहुत एंथू के साथ एंथुजियाज्म के साथ जोश के साथ आप अगर किसी को प्रेज कर रहे हैं तो दैट इज एक्सटॉल एंड एब्रिकेट का मतलब क्या होता वही तो बचा हुआ है यहां पे राजगद्दी का त्याग कर देना राइट right. तो जैसे यहाँ डिनाउंस है वैसे ही वर्ड है रिनाउंस रिनंसिएशन गद्दी त्याग देना और वही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है कि भाई प्रिंस फिलिप के पास दो च्वाइस थी या तो वो उस महिला से शादी करें जिसको वो उन्होंने प्यार किया एंड एबडिकेट हिज राइट टू द थ्रोन और अपने राजगद्दी के अधिकार को त्याग दें या लेडी फाइना से शादी करें एंड इनहेरिट द क्राउन यानी जो क्राउन है जो राजगद्दी है उसको इनहेरिट करें तो दो च्वाइस दी गई अपने प्यार से शादी करोगे तो राजगद्दी त्यागनी पड़ेगी। और अगर लेडी फाइना से शादी करोगे तो क्राउन को इनहेरिट कर पाओगे चलो नेक्स्ट आफ्टर सिटिंग इन द सिंग फॉर सेवरल डेज द डर्टी फूड बिकेम ट्रेस्टेड डिस बिकेम परफोरेटेड हाँ जी पावर को गिव अप करना क्या कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे कि जो जूठे बर्तन हैं फूड हैं झूठे बर्तन हैं उसमें खाना भी पड़ा हुआ है जूठा खाना और अगर वो सिंक में कई दिनों तक रह जाएगा तो क्या होगा वो बिकेम वॉट मेलोडस प्रिवेलेंट इम्फेटिक बिल्कुल ही आसान बिल्कुल लॉजिकल मैल का मतलब बैड है जैसे अभी हम बेनी कर रहे थे ना तो बेन का मतलब गुड है बेन बॉन बेनी राइट? Benign, malign. right? तो बेन uh, तो का मतलब गुड मैल का मतलब बैड और वही है यहाँ पे और ऑर्डर गंद होती ही है तो दोनों शब्द मिल गए मेलॉर्डरस एडजेक्टिव है ये यही करेक्ट ऑप्शन है प्रिवेलेंट आप जानते हैं जो हर चीज जगह पे छाई हुई हो इम्फेटिक जो जोर डालने वाला हो और कोई भी चीज अगर परफोरेटेड है तो इसका मतलब उसमें छोटे छोटे क्या बने हुए हैं पोर्स बने हुए हैं जैसे परफोरेटेड सीट्स आती हैं वो जो जिनमें कूलिंग और हीटिंग वाला फीचर होता है तो वो परफोरेटेड है तो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ही ये सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं सिर्फ ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है चले okay. अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं आफ्टर मेकिंग रिमार्क्स टू द प्रेसिडेंट द रिपोर्टर वॉज नॉट इन्वाइटेड हाउस प्रेस रूम यानी प्रेसिडेंट के लिए ऐसे रिमार्क्स पास करने के बाद रिपोर्टर को इनवाइट नहीं किया गया व्हाइट हाउस प्रेस रूम में रिटर्न के लिए मतलब दोबारा व्हाइट हाउस में उसे नहीं बुलाया गया तो भाई प्रेसिडेंट के लिए कैसे रिमार्क्स पास करेगा पहले तो इस सवाल का जवाब दो पॉजिटिव या नेगेटिव अच्छी बात है स्नेहा करेक्ट हो आप आ गया समझ में अब देखो हॉस्पिटेबल जो शब्द है दिस इज पॉजिटिव एंटरप्राइजिंग नेचर का कोई इंसान है अगर तो बड़ा ही उद्यमी उद्यमशीलता वाला व्यक्ति होता है राइट ऑन्ट्रप्रियोरियल है एंटरप्राइजिंग है तो इस वर्ड को भी आप एलिमिनेट कर लोगे और शिवैलरस जो शिवेलरी से भरा हुआ है जिसके अंदर बड़ी तमीज तहजीब है ये भी पॉजिटिव वर्ड है तो ये तीनों के तीनों वर्ड पॉजिटिव हैं और हमें ये पता लग गया कि हमें यहाँ पे जरूरत है नेगेटिव वर्ड की अकेला शब्द बचता है इर अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तब भी एलिमिनेशन के मेथड से आप कर सकते हैं ऐसे बहुत आसान सा शब्द है इसमें बेस वर्ड जो है वो है रिवियर रिवियर का मतलब होता है किसी का सम्मान करना तो ये वर्ब है फिर यहाँ से आता है रेवरेंस रेवरेंस जो है वो नाउन है ठीक है और रेवरेंट इसी से बनने वाला क्या बन जाता है एडजेक्टिव रेवरेंट यानी आप किसी के लिए बहुत ही इज्जत के साथ पेश आ रहे हैं और अगर आपने इेवरेंट हो गए आप तो यानी अब आप उसके साथ सम्मान पूर्वक पेश नहीं आ रहे इररेवरेंट तो आई आर लग करके वो बन गया नेगेटिव और यहां पे भी जब उसने इररेवरेंट रिमार्क्स टिप्पणी पास की प्रेसिडेंट के लिए तो डेफिनेटली उसको फिर दोबारा नहीं बुलाया जाएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द अथॉरिटीज फियरिंग ऑफ देयर पार कॉल्ड फॉर अ मिलिट्री स्टेट इन द होप्स ऑफ रिस्टोरिंग ऑर्डर लाइट अगर रहेगा लर्न एंड टीच शिवेलर रहेगा वो ये तो पॉजिटिव क्वालिटी है ना और ख़ास तौर से ये इस्तेमाल होता है जब आप महिलाओं के प्रति बहुत तमीज से पेश आते हैं तो उसको शिवेलरी कहा जाता है जैसे आपने यू नो कहीं खाने के लिए बैठे हैं आपने चेयर हटा दी आपने दरवाजा जो है वो खोल दिया तो अगर आपके बिहेवियर और कंडक्ट में वो शो होता है या कार में बैठ रही है तो आपने डोर ओपन कर दिया शाहरुख खान का एग्जाम्पल इसके लिए बहुत दिया जाता है कि वो अपने गेस्ट की बहुत यू नो घर के बाहर तक छोड़ने आते हैं और दरवाजा बंद करते हैं तो ये सब शिवेलरी का प्रतीक है शालिनी सेवन में क्या रह गया एक्सप्लेन करने के लिए इसमें क्या रह गया एक्सप्लेन करने के लिए बताओ सारी बात तो एक्सप्लेन कर दी कि भाई आप रिमार्क का मतलब टिप्पणी प्रेसिडेंट के लिए नेगेटिव टिप्पणी करोगे तभी तो दोबारा नहीं बुलाएंगे व्हाइट हाउस वाले कि भाई ये तो राष्ट्रपति के खिलाफ ऊट पटांग बोल गया अब वो क्यों बुलाएंगे आपको दोबारा तो कोई भी पॉजिटिव वर्ड तो चाहिए नहीं अगर आप हॉस्पिटेबल हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या होती है स्वागत सत्कार करती है हॉस्पिटेबल हो इसका मतलब अतिथियों का सत्कार करते हो पॉजिटिव वर्ड है एंटरप्राइजिंग पॉजिटिव वर्ड है शेवेलरस पॉजिटिव वर्ड है चाहिए नेगेटिव तो जो यहाँ पे रेवरेंट है यहाँ तो हमने कॉनोटेशन से मदद ले ली कि हमें किस तरह का वर्ड चाहिए वर्ड का एटीट्यूड नेगेटिव या पॉजिटिव अच्छी बात है शिवलर का मीनिंग लिखा आपने बहुत बढ़िया हां जी द अथॉरिटीज फियरिंग अ ऑफ देयर पार कॉल्ड फॉर अ मिलिट्री स्टेट इन द होप्स ऑफ रिस्टोरिंग ऑर्डर सब वर्जन प्रिमोनिशन इन वर्जन इन फ्यूजन सेंटेंस को पढ़ें कॉन्टेक्स्ट को समझें और फिर आंसर करें लगा ली अपनी गणित इन्फ्यूजन देखो भाई यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो है वी आर एस बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी रूट वर्ड है ये भी वी आर एस या वी आर टी शब्द जहां पे भी आता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है टर्न करना मुड़ना और शब्दों की कोई कमी है नहीं राइट तो इनवर्जन इन्वर्ट करना आपने बचपन में फिजिक्स में भी पढ़ा अभी भी पढ़ते ही हो गए इन्वर्टेड इमेज उल्टा कर देना ठीक है तो इनवर्जन इन्वर्ट ऐसे ही कन्वर्जन कन्वर्जन भी करते हो तो एक चीज को दूसरे में बदल देते हो कन्वर्ट कर देते हो घुमा देते हो टर्न कर देते हो यहीं से आता है डाइवर्जन डाई का मतलब दूसरी दिशा में मुड़ जाओ इस तरफ रोड पे काम चल रहा है आपने डाइवर्ट कर दिया ट्रैफिक को तो डाइवर्ट वर्ब है डाइवर्जन नाउन है और यहीं से शब्द आता है आपका सब वर्जन सब वर्जन या सब वर्ट वर्जन नाउन है शब्द तो बहुत सारे हैं लिखी दो लिख रहा हूं तो चलो वर्सेटाइल होता है जो हर तरफ मुड़ जाए वर्सेटाइल पर्सन हर तरफ टर्न कर जाए अगर किसी तरफ टर्न नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप अवर्जन रखते हो अवर्जन वर्जन करते हो ठीक है तो वर्स और वर्ड से ये सारे के सारे आपके शब्द निकल के आते हैं यहीं से फिर आपके पास इंट्रोवर्ट एक्स्ट्रोवर्ट और एम्बी भी आता है अंतर्मुखी जो अंदर की तरफ मुड़ा हो एक्स्ट्रो एग्जिट एक हो गया बाहर की तरफ मुड़ा हो बहिर्मुखी और एम्बीवर्ट जिसको जैसी जरूरत होती है जब इंट्रोवर्ट होने की तो इंट्रोवर्ट भी हो जाता है एम्बीवर्ट होने की जरूरत है तो एम्बीवर्ट भी हो जाता है तो सबवर्जन का मतलब होता है तख्ता पलट अथॉरिटीज तो को किस बात का दर है फियरिंग सब वर्जन अब यहां पे आर्टिकल लगा हुआ है तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि हमें जरूरत इसकी यहां पे किसकी है नाउन की तो खैर यहां पे सारे के सारे नाउन है तो ग्रामर से तो कोई फायदा आपको नहीं मिल रहा ग्रामेटिकल प्रोफाइल इन चारों वर्ड्स की नाउन है बट आपको कॉन्टेक्स्ट देखना था और मीनिंग देखनी थी तो सब करने का मतलब कर देना के लिए ये शब्द भी आता है जरूर देखा होगा आपने ये कु है और ये कुपे है कू कु का मतलब होता है तख्ता पलट इसकी प्रोनाशिएशन कु है और ये कुपे होती है टू सीटर स्पोर्ट्स कार ठीक है तो वही है यहाँ पे कि अथॉरिटीज को यह लगा कि भैया तख्ता पलट हो जाएगा उनका पावर सबवर्ट कर दिया जाएगा पलट दिया जाएगा तो उन्होंने किसको बुलाया मिलिट्री स्टेट को इन द होप्स ऑफ रिस्टोरिंग ऑर्डर कि देश में ऑर्डर बना रहे इसीलिए फिर सेना को बुला लिया गया सो so, यह है प्रिमोनिशन का मतलब होता है प्री का मतलब पहले पहले से ही जब किसी बुरी घटना का आपको आभास हो जाए तो इसको हम कहते हैं प्रिमोनिशन प्रिमोनिशन ठीक है premonition, premonition, इसे प्रिमोनिशन कहा जाता है Inversion, यहां पे लिखा ही है इनवर्जन उल्टा कर देना inverted image, और infusion क्या होता है एफ एस जो है ना ये भी वर्ड है Fusion का मतलब बहना, फ्लो करना। तो infuse, refuse, diffuse, diffuse, दो diffuse हैं. एक diffusion आप gases है और एक डिफ्यूजन ऑफ बॉम्ब है यहीं से आता है प्रोफ्यूज कोई इंसान एक्सीडेंट के बाद ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली यानी बहुत खून उसका बह रहा था तो एफ यूस रूट वर्ड है फ्लो के लिए इन्फ्यूजन ऑफ मनी जैसे हम कहते हैं कि सिस्टम के अंदर पैसे की आवक बढ़ाना डालना तो इन अंदर ई e बाहर ई e एक्स बाहर राइट right? तो ये सब रूट वर्ड की कहानी है और इससे वोकेबलरी आपकी बहुत बेहतर होती है तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या हो गया ए सब वर्जन ठीक है प्रीमॉनिशन शब्द आपको बहुत सुनने देखने को मिलता है कहाँ पे जो जब ये एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन के शोज आते हैं ना तो कई बार किसी को पहले ही आभास हो जाता है इस शब्द का इस्तेमाल किया था मेनका गांधी जी ने भी एक शो आता था स्टार वर्ल्ड पे 90s में और 2000s के स्टार्टिंग ईयर्स में भी और वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा वो था रानदेवो विद सिमी ग्रेवाल रानदेव आर ई एन डी ई जेड वी ओ यू एस ये है एक फ्रेंच वर्ड तो उस टॉक शो में मेनका गांधी आई थी और उन्होंने अपने पति संजय गांधी के जो दुर्घटना में दुखद मृत्यु हुई थी उस घटना के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि जिस दिन सुबह उनकी मृत्यु हुई संजय गांधी की उससे एक शाम पहले वो उसी प्लेन में बिठा करके मेनका गांधी के साथ गए थे उड़ान भरने इंजन से बड़ी आवाज़ें आ रही थी और उन्होंने कहा कि मुझे डर लगने लगा और मैंने उनसे कहा कि संजय इस प्लेन को मत उड़ाना तो जैसे होता है ना किसी बुरी घटना का पहले ही आभास हो जाना और अगली सुबह प्लेन क्रैश की सूचना मिलती है तो दिस इज द प्रिमोनिशन प्री पहले से ही एक और शब्द आता है प्रीशियंट एस सी आई जो है वो रूट वर्ड है आपका एस सी आई नॉलेज के लिए इस्तेमाल होता है प्री पहले हो गया यानी पहले से ही अगर आपको किसी चीज की नॉलेज है ना तो उसके लिए शब्द आता है प्री हो गया पहले और एस सी आई रूटवर्ड है ज्ञान के लिए यहीं से साइंस विज्ञान कॉन्सियंस ये सब आता है सर क्लास कैसे परचेज होगा विवेक कुमार पूछ रहे हैं भाई करियर वेल ऐप पे बैंकिंग का अलग सेक्शन आपको ऊपर हेडर में दिख जाता है ठीक है तो उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए बिल्कुल नया बैच है अभी वहाँ पे वो कंप्लीट कोर्स है वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके चौदह से पंद्रह एग्जाम आप टारगेट कर सकते हैं चाहे वो क्लरिकल है पीओ है स्पेशलिस्ट ऑफिसर है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है डेवलपमेंट ऑफिसर इंश्योरेंस सेक्टर में होता है सब कुछ कवर हो जाता है वो, उसी एक कोर्स से हम बहुत ही डिटेल्ड मैनर में पढ़ाते हैं राइट तो वहाँ आपको मिल जाएगा विवेक बैंकिंग में कोर्स नया है लेट करोगे तो फिर पिकअप करने में दिक्कत होगी बहुत ही नॉमिनल फीस में पांचों सब्जेक्ट यानी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग बैंकिंग अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर्स ये फुल कोर्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है और ये करियर विल लैब पे रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता है ठीक है चलिए द वेदर पैटर्न्स ऑफ द ट्रॉपिकल आइलैंड में टूरिस्ट हैड टू कैरी बोथ अम्ब्रेलाज एंड सनग्लासेस बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन घूमने फिरने का मन कर जाए आपको Ram Ram Rohit भाई तुम्हें एस के लिए पढ़ना हो बैंकिंग के लिए पढ़ना हो बैंकिंग का लेवल तो ऊपर आता है ठीक है तो दोनों के लिए कोर्सेज अवेलेबल होते हैं मेरे आप आराम से पढ़िए देखो अंग्रेज़ी को ढंग से पढ़ोगे तो चाहे एस का एग्ज़ाम हो बैंकिंग का हो मैनेजमेंट का हो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती और मेरे पढ़ाने का तरीका भी एक ग्रेडिड पैटर्न में होता है सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल कवर होता है हर तरह के क्वेश्चन टाइप्स कवर होते हैं तो कहीं कुछ भी छूटने की गुंजाइश नहीं होती हाँ जी तो यहाँ पे इम्पोर्टिनेंट कलाइडोस्कोपिक इनसिग्निफिकेंट और इलेस्ट्रेटिव ये शब्द है आपके पास क्या लग रहा है कलाइडोस्कोप तो जानते होंगे बचपन में मेले वेले में खेला होगा जिसमें कई तरह के रंगीन ग्लासेस आते हैं कांच के टुकड़े होते हैं या ना याद आया कुछ कलाइडोस्कोप तो यहाँ पे यही करेक्ट ऑप्शन है एक्चुअली इसीलिए आपका ध्यान आकर्षित किया क्योंकि तो देखो ट्रॉपिकल आइलैंड में क्या लिखा है कि जो वेदर पैटर्न है वो कलाइडस्कोपिक है यानी समय समय पे रंग बदलता रहता है मौसम का ऐसे ध्यान में रख सकते हो तो कभी बारिश हो गई और कभी धूप हो गई इसीलिए यहां पे लिखा है मेंट वॉट टूरिस्ट कैरी बोथ अम्ब्रेलाज एंड सन तो अम्ब्रेलाज बारिश में जरूरत होगी और सनग्लासेस धूप में जरूरत होगी तो जो ट्रॉपिकल वेदर जिस तरह का होता है कि थोड़ी देर में बारिश हो गई बादल छा गए और फिर धूप भी हो गई तो ये कलाइडोस्कोपिक मौसम है ऐसे बोल सकते हो कि भाई वेदर रंग बदल रहा है बाकी इम्पोर्टिनेंट आप जानते हैं जो चीज़ पर्टिनेंट ना हो रेलिवेंट ना हो सिग्निफिकेंट ना हो इम्पोर्टेनेंट इनसिग्निफिकेंट सिनोनिमस वर्ड्स ही हैं और इलेस्ट्रिटी में अगर आप देखो तो एल यू एस रूट वर्ड होता है एल यू एस एल यू सी और एल यू एम इन तीनों का मतलब होता है शाइन करना ठीक है तो लश्चर चमक ल्यूसिड ल्यूसेंट ट्रांसल्यूसेंट एल्यूसिडेट देन ल्यूमिनस ल्यूमन लाइट को मेजर करने की यूनिट ल्यूमिनरी ग्रेट ल्यूमिनरीज हिंदी साहित्य आकाश के देदीप्यमान नक्षत्र तो देदीप्यमान की अंग, अंग्रेजी होती है ल्यूमिनरीज आई एम फीलिंग एब्सिल्यूटली प्रिवेज टू बी इन सच एन ऑगस्ट कंपनी ऑफ आपके सम्मान में, आप दे दे में। तो बहुत सारे शब्द हैं क्या यहाँ जाऊंगा टाइम बहुत लग जाएगा मौखिक बोल दिया मैंने और उसी एल से आता है इलस्ट्रेटिव इलेस्ट्रेटिव एग्जाम्पल ऑफ आर डी शर्मा आपने देखा पढ़ा होगा अपने स्कूल के दिनों में तो वही है कि इलस्ट्रेट करने का मतलब किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाना And the last question for the day, choosing a small fuel efficient car is a purchase for a recent college graduate. अभी यहाँ पे purchase लिखा हुआ है purchase जो है यहाँ पे तो noun है वैसे परचेज वो अब के लिए भी इस्तेमाल होता है और नाउन के पहले आपको जरूरत किसकी है एडजेक्टिव की अब आप ये मत कहिएगा सर आर्टिकल लगा है आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है इसका मतलब ग्रामर की ज्ञान आपका जो थोड़ा है वो कमज़ोर है आर्टिकल नाउन के पहले आता है और नाउन फ्रेज के पहले भी आता है और नाउन फ्रेज एक्चुअली एडजेक्टिव प्लस नाउन मल मिल के बनता है तो अब यहाँ पे जुडिशियल टी डी एस जुडिशियस सार्डोनी के सारे के सारे शब्द एडजेक्टिव हैं तो ग्रामर से तो कोई मदद नहीं मिलेगी कॉन्टेक्स्ट के आधार पर एलिमिनेट करिए बताइए किस वर्ड के साथ जाएंगे ये शब्द की चर्चा शायद कल भी हुई थी या एडिटोरियल सेशन में हुई थी मॉर्निंग में एडिटोरियल सेशन जरूर देखिए कल सुबह आठ बजे मुझसे जुड़ना मत भूलिएगा इसी चैनल पे आपको फिलोसफी बेस्ड एक आर्टिकल कराऊंगा ठीक है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है और हो सकता है वो मेरा लिखा हुआ ही आर्टिकल हो देखेंगे कल तो देखो सॉर्डोनिक कल बताया था जहाँ पे एक कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड आपका होता है कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड का मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो राइट right? जो अपने आप को दूसरों से बेहतर माने कॉन्डिसेंडिंग बिहेवियर उसी को कहते हैं तो वो होता है सार्डोनिक टी कोई भी काम है तो बहुत डिटेल्ड मैनर में कर रहे हैं आप जुडिशियल जुडिशियस आप देखें तो हमारे सी और एन के पेपर्स में कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं और भी एग्जाम से पूछे जाते हैं बहुत ही घिसा पिटा वर्ड है ये और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है इसी को हम कहते हैं पैरोम पैरोम का मतलब जहाँ शब्द का जन्म एक ही बेस से हो लेकिन आगे जा करके उसका रूप बदल जाता है तो दोनों वर्ड जे यू डी से शुरू हो रहे हैं और दोनों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल सेम है बोथ द वर्ड्स आर एडजेक्टिव बट मीनिंग में फर्क है जुडिशियस का मतलब क्या होता है जुडिशियस का मतलब होता है सेंसिबल समझदारी पूर्ण और जुडिशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू जुडिशरी न्याय व्यवस्था से संबंधित ठीक है ना तो यहां पे क्या है कि अगर एक रीसेंट कॉलेज ग्रेजुएट है मतलब अभी जस्ट कॉलेज से बाहर ही बच्चा निकला है तो उसके लिए समझदारी पूर्वक काम क्या होगा उसका जुडिशियस परचेज क्या होगा जुडिशियस कहाँ गया हाँ ये ये करेक्ट ऑप्शन है कि वो एक स्मॉल फ्यूल एफिशिएंट कार ले वो एक छोटी फ्यूल एफिशियंट कार ले जिसका माइलेज ज़्यादा हो जो जो पूछते ना कितना देती है ये <laughs> तो वो ज़्यादा होना चाहिए उसका एक किलो एक लीटर में ज़्यादा किलोमीटर जाए तो ये उसका समझदारी पूर्व डिसीजन होगा विवेकपूर्ण होगा और जो चीज समझदारी पूर्ण हो विवेक विवेकपूर्ण हो उसी को क्या कहते हैं जुडिशियस याद रखिए और जुडिशियल का मतलब रिलेटेड टू जुडिशरी जैसे आप सेंटेंस बना सकते हो कि भाई जुडिशियल प्रोसेस जुडिशियल प्रोसेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया जुडिशियल प्रोसेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया तो यानी जो न्याय व्यवस्था से संबंधित प्रक्रिया है वो भारत में एक लंबा समय लेती है और कोई भी काम अगर आपका टी है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत थकाने वाला है और कोई भी चीज थकाऊ कब लगती है जब वो बड़ी मोनोटनस हो बोरिंग हो टायरसम हो, होती है मतलब होता है टी का टी टास्क टायर सम बोल सकते हो थकाने वाला सम टायर सम बिकॉज ऑफ बींग monotonous क्योंकि एक ही जैसा है मोनोटनी है उसमें ठीक है तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन आज के दस क्वेश्चन चालीस शब्द का डिस्कशन क्वेश्चन करने के तरीके आपने सीखे कि भाई आप इंग्लिश में भी बिल्कुल एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं और चाहे मेरे साथ आप ग्रामर पढ़ें वो कैब पढ़ें कॉम्पिटिशन पढ़ें कहीं पे कुछ रटने का बोझ मेरे साथ नहीं रहेगा और जिस एरिया को आपको लगता है कि रटना पड़ता है वहाँ भी रटने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ रटना तब पड़ता है क्योंकि हमें तरीके की समझ नहीं है तो लोग कहते हैं ना वोकैब में क्या आ रहा है वो में बहुत पढ़ने का है आपको कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा एक शब्द के सहारे डेढ़ सौ शब्द याद रख सकते हो और इसी एक क्लास में याद करा के मैं चला जाऊंगा आप खुद ही देख रहे हो जो रूट वर्ड आ रहा है मैं कैसे शब्द लगातार बोलते चला जा रहा हूँ तो आप भी अपने दिमाग में ऐसे रख सकते हैं और इन एग्ज़ाम्स के लिए कोई इतनी मशक्कत की जरूरत नहीं होती चाहे फिलर्स के क्वेश्चन है कल दूसरी वरायटी कराई थी जिन लोगों ने कल वाला सेशन नहीं देखा था देख लीजिएगा वो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं ये तो खैर एवरग्रीन क्वेश्चन टाइप है एस एस सी के एग्जाम्स में वही बात की ग्रामर इंटेंसिव क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं वो कैब के कम होते हैं वो कैब के मेन्स में देखने को मिलते हैं बैंक के पेपर्स में वकैब का ज़्यादा मिलता है लेकिन ग्रामर से फ़ायदा जरूर हो सकता है हमें तो जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे आपको एनर्जी एनर्जेटिक एनर्जाइज एनर्जेटिकली नहीं मिलेगा ये आपको एस के पेपर में मिल जाएगा ये मासूम टाइप का क्वेश्चन राइट वहाँ मिल जाएगा वहाँ नेसेसिटी नेसेसरी नेसेसिटेट नेसेसरली मिल जाएगा एम <laughs> में लेकिन ये बैंकिंग में नहीं मिलेगा तो यही है ग्रामर इंटेंसिव जहां शब्द तो एक, एक ही लेकिन चार फॉर्म है उसके बहुत सारे मासूम लोगों को ये भी नहीं पता होते उन्हें लगता है कि हर शब्द अलग है भैया हर शब्द अलग नहीं होता एक ही शब्द के ग्रामेटिकल डेरिवेटिव होते हैं तो अपने ग्रामर के फंडाज को क्लियर करो कि एक शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल को आप पहचान लो क्योंकि ग्रामर से हिंट हम सबसे पहले ले रहे हैं ब्लैंक प्लेस में किस ग्रामेटिकल प्रोफाइल का शब्द चाहिए उस बेसिस पे आपने एलिमिनेट कर लिया ठीक है तो यही तरीका है फिर मिलेंगे मंडे को मंडे को फिर नए टाइप का क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कहा था कि बैंक के अंदर फिलर्स की बड़ी सारी वराइटीज हैं तो सारी वराइट आपको एक बार उसका स्वाद चखा दूं और ये समझा दूं कि चाहे वरायटी कैसी भी हो भाई क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है अगर आपको तरीके की समझ है स्किल्स आते हैं आपको एग्जाम में स्किल की जरूरत है ठीक है स्मार्ट होने की जरूरत है कि कैसे क्वेश्चन को क्रैक किया जाता है कम समय में हाँ जी शालिनी बिल्कुल हो जाएगा हाँ नहीं हो पाई बिकॉज आई वॉज नॉट वेल एक्चुअली टूडे बट शाम वाली क्लास थी तो मैंने ले ली पी डी एफ नहीं मिला मनप्रीत पी अपलोड हो जाएगा मेरे आपके टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी ऑफिशियल आईडी और साथ ही साथ करियर विल ऐप का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी अपलोड हो जाएगा कल वाला भी जो कल वाली जो शीट है क्लास नोट है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल दोनों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी तो वहाँ पे मिलते हैं आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन को ध्यान में रख सकते हैं जो पढ़ाया है उसको सीख सकते हैं और फिर हमारी मुलाकात होगी इस सेशन में मंडे को शा, आ, शाम को सात बजे नहीं मंडे नहीं होगी मेरे साथ अब आपकी मुलाकात फिर होगी थर्सडे को मंडे को आपको मिलेंगे तन्वी मैम और आ, कल हमारी मुलाकात होगी सुबह आठ बजे एडिटोरियल सेशन में तो जुड़ना मत भूलिएगा दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू वेरी मच टेक गुड केयर ऑफ योर कीप लर्निंग कीप राइजिंग एंड कीप ग्लोइंग नॉट शाइनिंग शाइनिंग इज सुपरफिशियल ग्लोइंग कम्स फ्रॉम इनसाइड थैंक यू एवरी थैंक यू वेरी मच